गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हां जी, लास्ट टाइम हमने इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक स्टार्टअप किया था अपनी रेगुलर क्लास में। ठीक, आज की क्लास का हमारा कोई भी कंटिन्यूएशन कल की क्लास से नहीं होगा, एक्स्ट्रा क्लास से। हमारी रेगुलर क्लासेस की कंटिन्यूएशन जो लास्ट वीक की क्लास थी उससे चलेगा। ओके, सो लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4, दैट इज ऑन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल के वेरियस कंपोनेंट्स क्या हैं, इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू बाय द मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू एंड टेस्टिंग बाय द ऑडिटर, इंटरनल कंट्रोल एज फार एज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शन इज कंसर्न, इन सारे टॉपिक को हमने कवर अप किया था। नाउ आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन ईडीपी एनवायरमेंट या इंटरनल कंट्रोल इन सीआईएस एनवायरमेंट, जिसको आप सीआईएस ऑडिट का भी नाम दे सकते हैं या ईडीपी ऑडिट का भी नाम दे सकते हैं। So, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज इंटरनल कंट्रोल इन ईडीपी। ईडीपी के लिए जो स्टैंडर्ड मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, या ईडीपी के लिए हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं सीआईएस। सीआईएस का मीनिंग है कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट, और आप इसे इन जनरल कह सकते हैं ईडीपी ऑडिट या सीआईएस ऑडिट, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज इंटरनल कंट्रोल इज इन ईडीपी एनवायरमेंट। ईडीपी वर्ड स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। What is the meaning of this word? एक ऐसा सिस्टम जहां पर डाटा की प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिकली चलती है। जैसे यदि हम प्रोसेसिंग की बात करें, हम कैसे इस वर्ड प्रोसेसिंग को डिफाइन कर सकते हैं? इनपुट की कन्वर्जन इनटू द आउटपुट इज नोन एज द प्रोसेसिंग। नाउ ए क्वेश्चन अराइज, जहां तक ऑडिटर की बात आती है, ऑडिटर के लिए इनपुट क्या है? अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। ऑडिटर के लिए आउटपुट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनपुट की कन्वर्जन इनटू द आउटपुट इज नोन एज एन प्रोसेसिंग, और यही प्रोसेसिंग हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक है मैनुअल और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक। मैनुअल प्रोसेसिंग क्या है? जनरेशन ऑफ वाउचर। वाउचर जनरेट होगा, रिकॉर्डिंग इन सब्सिडियरी बुक्स, पोस्टिंग इन लेजर, समराइजेशन इनटू
ट्रायल बैलेंस, फाइनलाइजेशन सो एज टू प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारा काम चलता है हमारा मैनुअल प्रोसेसिंग के अंदर। लेकिन यदि हम इस काम को कन्वर्ट कर दें किसमें, इलेक्ट्रॉनिक में, ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, सर्विस ब्यूरो प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग क्या है कि डाटा की प्रोसेसिंग ऑनलाइन, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रही है। जैसे बैंकिंग सेक्टर के अंदर नेट बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अब बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन फंड्स ट्रांसफर की, ठीक, अपने घर बैठे कर सकते हैं। एटीएम मशीन से आप कैश की विड्रॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। बिजनेस में कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के अंदर ई कॉमर्स फीचर है, आप ऑनलाइन अपने ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम जहां पर ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन कंप्यूटर के अंदर फीड होती हैं, या फिर वाउचर बने और वो वाउचर इकट्ठे कर लिए जाते हैं और बाद में उन वाउचर्स को कंप्यूटर के ऊपर उनमें एंट्री करा दी जाती है कंप्यूटर में। सर्विस ब्यूरो जैसे बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, हमने अपने काम को आउटसोर्स कर दिया, किसी दूसरे पर्सन को दे दिया। सो ऑन दिस बेसिस सर्विस ब्यूरो प्रोसेसिंग क्या है कि जहां पर हम अपनी ट्रांजैक्शंस को आउटसाइड एंटिटी को दे देते हैं उनकी प्रोसेसिंग को करने के लिए। सो नाउ इन दिस केस कि ये प्रोसेसिंग का हमारा एक सिस्टम है कि जहां पर हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को कन्वर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। दो सिस्टम है, एक मैनुअल और एक इलेक्ट्रॉनिक। मैनुअल सिस्टम जब आप 11th में अकाउंट्स पढ़ना शुरू करते हो तो ये सिस्टम करवाया जाता है सारा, कि पहले एक वाउचर बनेगा, उसके बाद वाउचर सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड होगा, देन पोस्टिंग होगी उसकी लेजर के अंदर, देन ट्रायल बैलेंस बनेगा और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनलाइजेशन होगी। दूसरा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक, डाटा एंट्री कंप्यूटर के अंदर फीड की जाएगी, आपने सिर्फ डाटा की एंट्री करनी है और ये डाटा अपने आप इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने टैली पर कभी काम किया हो तो यू विल ऑब्जर्व कि आपने एक ट्रांजैक्शन को डाला, यू पुट ए ट्रांजैक्शन इनटू द कंप्यूटर और वो ट्रांजैक्शन अपने आप पोस्ट भी हो जाती है, अपने आप फाइनलाइजेशन स्टेज तक पहुंच जाती है। एवरी मोमेंट पर जैसे ही आप एक ट्रांजैक्शन की एंट्री कंप्यूटर सिस्टम के अंदर करते हैं वो ट्रांजैक्शन अपना इफेक्ट अप टू द फाइनलाइजेशन स्टेज विद इन सेकेंड्स ले लेती है। यदि एक ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के बाद आप कंप्यूटर सिस्टम में बैलेंस शीट निकालना चाहें, इमीडिएटली बैलेंस शीट अवेलेबल है आपके पास अलोंग विद द इफेक्ट ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। वही चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, आपने एक एक्सपेंस डाला या एक इनकम डाली, आपने सिर्फ एंट्री डाली है, वो अपने आप पोस्ट हो जाएगी कंसर्न लेजर में और वो अपने आप फाइनलाइजेशन हो जाएगी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक। आपको उसकी आगे पोस्टिंग, समराइजेशन, फाइनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। एज सून एज यू पुट द एंट्री इनटू द कंप्यूटर सिस्टम वो एंट्री अपना इफेक्ट ऑटोमेटिकली ले लेती है अप टू द फाइनल स्टेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक। सो इस तरह से हमारे पास ये दो सिस्टम है, एक मैनुअल सिस्टम है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। जहां तक बात आती है मैनुअल सिस्टम की,
हम जितने कंट्रोल्स की अभी तक बात की थी हमने अपने पिछले लेक्चर में, हमारे मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स वो कौन से थे? दे वर द मैनुअल कंट्रोल्स. कौन से? दे वर द मैनुअल कंट्रोल्स. अब हम बात करेंगे सारी किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स की. अभी तक हमने जो बात की है दैट इज ऑफ मैनुअल कंट्रोल. नाउ अब हमारी जो बात होगी वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की होगी. सो अब ये हमारा वर्ड आ गया इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग. वो प्रोसेसिंग सिस्टम जहां पर डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मींस को यूज करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मींस को यूज करने का मतलब वी टेक द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर. हम कंप्यूटर की हेल्प को लेते हैं. और दूसरा हमारा पॉइंट आता है CIS एनवायरमेंट. CIS कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक वो सिस्टम जहां पर इंफॉर्मेशन जो जनरेट होती है कंप्यूटर के थ्रू होती है. पहले हम इसको EDP के नाम से कहते थे, आज की डेट में हम इसको CIS के नाम से कहते हैं. मीनिंग ऑफ बोथ दीज वर्ड इज से EDP ऑडिट कह लो इसे या CIS ऑडिट कह लो, द मीनिंग इज से राइट. सो ये चैप्टर अब हमने स्टार्ट करना है, इंटरनल कंट्रोल्स इन EDP एनवायरमेंट या CIS एनवायरमेंट. इस चैप्टर के अंदर हमें किन किन टॉपिक्स को कवर करना है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुछ जनरल एस्पेक्ट की, इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट की. इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट्स में हम किन किन चीजों को लेकर चलेंगे? Meaning of CIS environment. आज की डेट में आपको जो एग्जाम में लैंग्वेज मिलेगी वो EDP वर्ड लिखा हुआ नहीं मिलेगा. एग्जाम में आपको क्वेश्चन में जो वर्ड मिलेगा वो CIS मिलेगा. Meaning of CIS environment. Differences किस में? मैनुअल सिस्टम कि जहां पर हम डिफरेंट बुक्स को बनाते हैं विद CIS, इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? प्रॉब्लम फेस्ड व्हाइल शिफ्टिंग फ्रॉम मैनुअल टू CIS. दैट मीन्स यदि हम अपनी बुक्स को मैनुअल सिस्टम पर बना रहे थे अभी और हम इसे कन्वर्ट करते हैं किसके ऊपर? CIS के ऊपर, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर, हमें किन किन तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी? हमारी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और हमारी ऑडिट का स्कोप क्या एक CIS एनवायरमेंट में चेंज होगा या वही रहेगा जो एक मैनुअल सिस्टम के अंदर रहता है? ये आएगा हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट्स के अंदर. इसके बाद फिर हम इसमें बात करेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ CIS एनवायरमेंट. CIS एनवायरमेंट के डिफरेंट टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं?
जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डिजाइन एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स कि एक सीआईएस सिस्टम को डेवलप करते वक्त हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, हाउ इट शुड बी डिजाइन, हाउ द वेरियस प्रोसीजर्स नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड, और फिर आएगा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनल कंट्रोल इन सीआईएस एनवायरमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीआईएस एनवायरमेंट में हम इंटरनल कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज करें। हमारे डिफरेंट कंट्रोल्स दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं यहां पर, जनरल एंड एप्लीकेशन। इन्हें हम डिस्कस करेंगे, इंटरनल कंट्रोल इन सीआईएस एनवायरमेंट। फिर एक टॉपिक आएगा वर्ड ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल क्या होती है? बहुत जगह पर यह वर्ड आपने सुना होगा ऑडिट ट्रेल, इसकी एग्जैक्ट डिटेल इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। एंड अल्टीमेटली हम पहुंचेंगे ऑडिटिंग टेक्निक्स इन सीआईएस एनवायरमेंट। एक ऑडिटर की डिफरेंट टेक्निक्स क्या होंगी एक कंप्यूटराइज्ड एनवायरमेंट के अंदर, दैट इज यूज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड या कंप्यूटर एडिट, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, ऑडिट टेक्निक्स, जिन्हें हम कॉमनली नाम देते हैं कैट का, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। फिर हम बात करेंगे इसमें कैट के बाद अप्रोचेस टू CIS ऑडिट, और हमारी दो अप्रोच आएंगी इसमें, वन इज ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर एंड नंबर टू ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर। ये हमारे इस चैप्टर का लेआउट है, एक समरी है टॉपिक की, कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर कवर अप करने हैं। तीन पॉइंट से हम बातें करेंगे। पहला पॉइंट, इसको करते वक्त, इस चीज को करते वक्त हमें मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, एक जनरल प्रोग्रामर या एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचना है, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग की बातें करनी है। यहां पर जो हमारा मेन पर्पस होगा, एक सीआईएस एनवायरमेंट, एक कंप्यूटराइज्ड एनवायरमेंट के जनरल फीचर्स को डिस्कस करने का होगा। टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ सीआईएस एनवायरमेंट, ये जनरली ये जितनी चीजें हैं ये चलेंगी मैनेजमेंट व्यू पॉइंट से, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वाली जितनी चीजें चलेंगी ये चलेंगी फिर ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर इन जनरल मैं ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात करूंगा, यहां पर मैं बात करूंगा कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरी एंटिटी है, मुझे सीआईएस सिस्टम को डेवलप करना है, मैं उसके डिजाइन और प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स की बातें करूंगा। इंटरनल कंट्रोल किस तरह से एक्सरसाइज करूं मैं अपनी एंटिटी के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसकी बातें करेंगे हम, ऑडिट ट्रेल की बात करेंगे, और फिर ऑडिटिंग टेक्निक्स, यहां पर हम बात करेंगे ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑडिटर एक सीआईएस, एक कंप्यूटराइज्ड एनवायरमेंट के अंदर हाउ ही प्रोसेस, हाउ ही प्रोसीड, हाउ ही वर्क्स आउट द टेक्निक्स यूज्ड बाय हिम
द अप्रोचेज यूज बाय हिम, व्हाट आर द प्रॉब्लम ही फेस्ड, वो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर अप करेंगे. राइट. एक टॉपिक जो बिल्कुल नॉर्मल जो अभी तक ऑडिट हमने पढ़ी उससे हटकर है, और हटकर मतलब एक चेंजेस है, अप्रोच चेंज है कि अभी तक हम नॉर्मल फिजिकल बुक्स हमारे पास अवेलेबल थी, फिजिकल डॉक्यूमेंट अवेलेबल थे हमारे पास, हम उन चीजों के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर बातें कर रहे थे. लेकिन अब हमारी जो भी बात होगी वो होगी कि हमारे पास प्रोसेस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अवेलेबल है, दैट इज कंप्यूटर, कि हमारे क्लाइंट ने अपने डाटा की प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स के ऊपर की है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने हमें पकड़ा दी है कंप्यूटर से जनरेट करके उनका प्रिंट आउट निकाल कर. तो अंडर दैट सर्कमस्टांसिस कंप्यूटर प्रिंट आउट्स आर अवेलेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, लेकिन जो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं दे आर नॉट अवेलेबल. क्यों अवेलेबल नहीं है? द रीजन बीइंग द ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड ऑनलाइन, ट्रांजेक्शंस की एंट्री ऑनलाइन हो रही थी. ओके. सो ये तीन एस्पेक्ट्स में हम इस चैप्टर को स्टडी करें. सबसे पहले हम बात करेंगे अब अपने इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स की. नोट्स में ये टॉपिक आपके पेज नंबर 91 पर है, पेज नंबर 91 पर. जोधपुर एंड अंबाला बैच प्रोसेसिंग या आपने थर्ड सर्विस ब्यूरो प्रोसेसिंग के बारे में पूछा था, प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, दैट इज द रीजन मैं उन टॉपिक्स को नहीं ले रहा. प्रोसेसिंग सिस्टम सारे के सारे आपके आईटी के अंदर आएंगे, वहां पर आप लोग उन्हें कवर करोगे. हां जी, हमारा टॉपिक है सबसे पहले इंट्रोडक्टरी मैटर्स. जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ सीआईएस एनवायरमेंट. सीआईएस एनवायरमेंट का मीनिंग क्या है? एन एनवायरमेंट इन विच computers are used for processing of data and generation of information. Data को process करने के लिए, information को generate करने के लिए, to produce the information, computers are used. That means input is converted into output through computers. Input क्या है हमारी? जहां तक accounting बात करें तो financial transactions. आउटपुट क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के ऊपर कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग वो एक सीआईएस एनवायरमेंट को बताती है. एक ऐसा एनवायरमेंट जहां पर कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है. जैसे इसका सबसे एक बेस्ट एग्जांपल लें प्राइवेट बैंकिंग. प्राइवेट बैंकिंग के अंदर कंप्यूटर यूज हुए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और उसने पब्लिक सेक्टर की बैंकिंग को चेंज कर दिया. जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, ठीक, यदि आप लोग ऑब्जर्व करो आज से पांच छह साल पहले, ठीक, पांच छह साल पहले तक हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक में कंप्यूटर्स पर काम नहीं होता था, डाटा की प्रोसेसिंग सारी मैनुअल चलती थी. लेकिन
धीरे धीरे वहां पर, क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग के अंदर कंप्यूटर्स का यूज होना शुरू हुआ और स्पीड अप बढ़ी उनके काम की, रिजल्ट उन्होंने भी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी कंप्यूटर को यूज करना शुरू किया। यही चीज बिजनेस कमर्शियल सेक्टर के अंदर बात करें, डाटा पहले बनाया जाता था, सब्सिडियरी बुक्स बनती थी, लेजर्स बनते थे और सारा काम मैनुअली हाथ से लिखा जाता था, लेकिन आज की डेट में क्या होता है, कंप्यूटर्स आर यूज टू प्रोसेस दिस डाटा। नाउ अब इसमें दूसरा हमारा टॉपिक आता है, हमें क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होंगी, प्रॉब्लम्स फेस्ड। प्रॉब्लम से पहले वो लेते हैं हम फीचर्स। फीचर्स क्या हैं हमारे सीआईएस एनवायरनमेंट के, द मेजर फीचर्स ऑफ द सीआईएस एनवायरनमेंट। फीचर्स ऑफ सीआईएस एनवायरनमेंट, या आप कह सकते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन मैनुअल एंड सीआईएस एनवायरनमेंट। क्या क्या चीजें हमारे डिफरेंसेस के अंदर आती हैं? सबसे पहला पॉइंट है हमारा इनपुट डॉक्यूमेंट्स। इनपुट डॉक्यूमेंट्स मैनुअल एंड सीआईएस। मैनुअल सिस्टम के अंदर इनपुट डॉक्यूमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट, हमेशा एग्जिस्ट करता है, लेकिन सीआईएस एनवायरनमेंट में मे बी एब्सेंट इन केस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मे बी एब्सेंट इन केस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। यदि ट्रांजेक्शन की एंट्री ऑनलाइन चल रही है तो उस केस में आपके पास इनपुट डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होगा। जैसे यदि परचेज का ऑर्डर ऑनलाइन चला जाता है तो एंड इन दैट केस परचेज ऑर्डर का फिजिकल डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। नंबर दो, डिजाइन, मैनुअल सिस्टम का डिजाइन रिलेटिवली सिंपल है टू अंडरस्टैंड, कि एक अकाउंटिंग वाले पर्सन की या ऑडिटिंग वाले पर्सन की बात करें, बटिंडा में देखना क्या प्रॉब्लम है वीडियो हैंग की, ठीक, इट इज रिलेटिवली सिंपल टू अंडरस्टैंड, लेकिन सीआईएस एनवायरनमेंट की डिजाइनिंग को समझना रिलेटिवली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर डाटा ऑपरेटर। ऐसा क्यों है? सीआईएस एनवायरनमेंट में अकाउंटिंग डेवलप करनी है, अकाउंटिंग पैकेज बनाना है, यदि टैली का सॉफ्टवेयर बनाना है, वो सॉफ्टवेयर, अब एक चीज बताओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाकर देगा या एक अकाउंटिंग एक्सपर्ट बनाकर देगा? यदि अकाउंटिंग को कंप्यूटराइज्ड करना है तो उसकी डिजाइनिंग वो सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग एक्सपर्ट बनाकर देगा या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाकर देगा? पानीपत, मेरठ, जबलपुर, इंजीनियर बनाकर देगा, ठीक, बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि हमें कंप्यूटर लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है। तो रिजल्ट, किस तरह से डाटा की प्रोसेसिंग होती है
उसके डिजाइन को समझ पाना इतना आसान नहीं है। इतने पोर्शन को जूम कर दो। तीसरा पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिलायबिलिटी, किस सिस्टम के ऊपर हम रिलायबल कर सकते हैं। मैनुअल सिस्टम की बात करें, सिंपल है बट लेस रिलायबल, उसकी रिलायबिलिटी कम है। क्यों रिलायबिलिटी कम है? बिकॉज ह्यूमन बींग्स के हाथ में है हु कैन कमिट द एरर्स, लेकिन सीआईएस सिस्टम रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स बट हाईली रिलायबल। हाईली रिलायबल मतलब कि यदि उसके सॉफ्टवेयर के पैरामीटर ठीक है तो कंप्यूटर में चाहे वो करोड़ की कैलकुलेशन है, मल्टी करोड़ की कैलकुलेशन है, मिलियंस की कैलकुलेशंस हैं, वो कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन यदि हम मैनुअल सिस्टम की बात करें, मैनुअल सिस्टम में जैसे ही वो कैलकुलेशन बड़ी होती जाती हैं, वो कैलकुलेशन के गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैनुअल सिस्टम के अंदर जनरली डाइवर्सिफाइड होती है। कैसे, क्यों डाइवर्सिफाइड है? ठीक, कि एक पर्सन ट्रांजेक्शन का वाउचर क्रिएट कर रहा है, एक पर्सन सब्सिडियरी बुक्स में एंट्री कर रहा है, तीसरा पर्सन पोस्टिंग कर रहा है, चौथा पर्सन फाइनलाइजेशन कर रहा है, लेकिन सीआईएस एनवायरमेंट में वो जनरली कंसंट्रेटेड होती है इन ए सेंट्रल लोकेशन, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, सीआईएस या ईडीपी सेक्शन। जितनी भी कंट्रोल है हमारे, जितने भी प्रोसेसिंग है, क्योंकि सारी की सारी कंट्रोल कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो सारे एक जगह आकर के कंसंट्रेटेड हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। कि कंप्यूटर के ऊपर काम होना है, कोई भी काम है वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में आएगा, लेकिन यहां पर डाइवर्सिफाइड स्प्रेड है। परचेज वाउचर, परचेज का ऑर्डर परचेज मैनेजर डेवलप करेगा, परचेज मैनेजर। स्टोर की रिक्विजिशन स्टोर मैनेजर डेवलप करेगा। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की डेटर लेजर, ठीक, जो पर्सन डेटर को कंसिडर कर रहा है वो करेगा। डाइवर्सिफाइड से मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, कंसंट्रेटेड एक ही जगह पर आकर के सिमट जाती है सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी। ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल मैनुअल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन सीआईएस सिस्टम के अंदर इट इज एब्सेंट। ऑडिट ट्रेल क्या है? ऑडिट ट्रेल से हमारा क्या मीनिंग है कि एक ट्रांजेक्शन के बिगिनिंग से लेकर एंड तक उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट प्रोसेसिंग की नॉलेज होना, नॉलेज ऑफ हाउ ए ट्रांजेक्शन प्रोसीड फ्रॉम इट्स बिगिनिंग टू इट्स कंक्लूजन एंड तक। दैट मीन्स वाउचर, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग इनटू द सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक अवेलेबल होती है हमारे पास, देन पोस्टिंग इनटू द जनरल लेजर, देन वो ट्रायल बैलेंस और देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे हम यदि बात करें एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की, कि यदि मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक सैलरी चेक करनी है 1,00,000 रुपए के, पीएनएल अकाउंट में सैलरी है, मैं पीएनएल से कहां जाऊंगा, ट्रायल बैलेंस निकालूंगा, उसमें 1,00,000 की सैलरी को चेक करूंगा, उसके बाद ट्रायल में सैलरी है 1,00,000 की, मैं ट्रायल से लेजर के अंदर जाऊंगा, सैलरी अकाउंट देखूंगा,
एक लाख रुपए का अमाउंट उसमें आ रहा है टोटल। फिर उसके अलग अलग पांच रिकॉर्डिंग थी, उसके लिए मैं कहां जाऊंगा, सब्सिडियरी बुक्स पे जाऊंगा। सब्सिडियरी बुक्स में ट्रांजेक्शन कहां से रिकॉर्ड हुई होंगी, वाउचर से, वाउचर पर चला जाऊंगा। दैट मीन्स बिगनिंग से एंड तक मैं मुझे कहां से कहां कैसे पहुंचा मैं, वो चीजें मैनुअल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन यदि हम बात करें सीआईएस एनवायरमेंट की, कंप्यूटर में एंट्री डाली, कैसे वो, किस तरह से वो, ठीक किस किस लेजर अकाउंट के अंदर चली गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चली गई, मुझे कुछ नहीं पता होता। सीआईएस एनवायरमेंट में हाउ ए ट्रांजेक्शन इज प्रोसेस्ड, हमें उसकी नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्राम ने उसे प्रोसेस कर दिया। अब सपोज मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, ये कैलकुलेटर है। अब इस कैलकुलेटर पर मैं एक बटन दबा रहा हूं, 2+2, 4 आ गया। कैसे हुआ, कैसे हुआ, क्या कोई प्रोसेसिंग पता है कि इसके अंदर जो चिप लगी हुई है उस चिप ने कैसे प्रोसेस कर दिया, आई डू नॉट हैव एनी नॉलेज। हाँ, मेरे को यह पता है कि जो रिप्लाई इसने मुझे दिया है वो 100% करेक्ट है। अब यदि मैं इसमें करोड़ रुपए की कैलकुलेशन करूं, मैं एकदम विश्वास कर लूंगा इसकी कैलकुलेशन पर। लेकिन वही कैलकुलेशन यदि मैं बैठकर अपने माइंड से करूं तो मेरे को डाउट होगा कि ये कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है। सो इन दैट मैनर ये हमारे एक डिफरेंसेस हैं मैनुअल सिस्टम में और एक सीआईएस सिस्टम के अंदर। सिलीगुड़ी कह रहे हैं हम लेजर देख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, लेकिन क्या ये लिखा हुआ होता है, जर्नल फोलियो लिखे हुए होते हैं, मुझे ये बताओ, सीआईएस एनवायरमेंट में लेजर फोलियो लिखे हुए होते हैं, नहीं लिखे हुए होते। एक मैनुअल सिस्टम की बात करोगे तो किस, जैसे ये वाउचर बना, ये बिल है सपोज, इस बिल को मुझे जर्नल के पेज पर डालना है, तो मैं ट्रांजेक्शन की एंट्री करके जेएफ नंबर लिख देता हूं कि ये बिल जर्नल फोलियो में इस पेज पर गया। फिर जब मैं जर्नल में एंट्री करता हूं डेबिट क्रेडिट की, यहां पर मैं लेजर फोलियो नंबर लिखता हूं। ये चीजें मैनुअल में तो पॉसिबल है कि जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो, ट्रांजेक्शन कहां से कहां से कहां जा रही है, मेरे पास सारी मूवमेंट अवेलेबल होती है। ठीक, ये क्या है, ऑडिट ट्रेल है मेरी पूरी। एक बिल, इनवॉइस आया, इनवॉइस को रिकॉर्ड किया और मैंने इनवॉइस पे क्या लिख दिया, जर्नल फोलियो नंबर। उसके बाद जर्नल के अंदर एंट्री की, लेजर फोलियो नंबर मेरे पास है। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में ये चीजें इन जनरल अवेलेबल नहीं होती। हां, जब हम डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे तो फिर सारा कुछ निकल सकता है, इन जनरल अवेलेबल नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन करने पर आए कि हां मेरे को तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, फिर वो सारा के सारे रिकॉर्ड्स का प्रिंट आउट निकालकर फिर हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं, बट इन जनरल ऑडिट ट्रेल एब्सेंट होती है। राइट, सो इन दैट केस ये हमारे पास एक डिफरेंस अराइज हुआ, किसमें, मैनुअल सिस्टम के अंदर एंड सीआईएस सिस्टम के अंदर। पांच डिफरेंसेस हैं, इनपुट डॉक्यूमेंट, मैनुअल में तो बिना इनपुट डॉक्यूमेंट के कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हो सकती, वाउचर बनेगा ही बनेगा। सीआईएस में मैंने वर्ड यूज किया मे बी एब्सेंट, होते तो हैं यहां पर भी वाउचर, बट यदि ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर रहे हो तो वहां पर ये चीजें, इनपुट डॉक्यूमेंट माइट बी एब्सेंट। मैनुअल सिस्टम की डिजाइनिंग, इट इज रिलेटिवली सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट सीआईएस सिस्टम की डिजाइनिंग इट इज रिलेटिवली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कंप्लेक्सिटी, रिलायबिलिटी, सिंपल है बट लेस रिलायबल, कंप्लेक्स है बट हाईली रिलायबल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डाइवर्सिफाइड है, कंसंट्रेटेड है। डाइवर्सिफाइड से मतलब अलग अलग पर्संस के हाथों में, ठीक, अलग अलग पर्संस के हाथों में अलग अलग कंट्रोल होते हैं।
परचेज अलग, डेटर मैनेजमेंट अलग, कैश मैनेजमेंट अलग, एक फिक्स असेट्स अलग, ये सारी चीजें अलग अलग। सीआईएस में क्या होगा, ये सारी चीजें कंसंट्रेटेड है एक ही जगह पर, कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर, दे आर कंसंट्रेटेड इन ए सेंट्रल लोकेशन। ऑडिट ट्रेल मैनुअल में प्रेजेंट है, सीआईएस में एब्सेंट। अमरावती ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैन बी प्रिंटेड, दैट इज द रीजन मैंने वर्ड यूज किया है मे, मैंने मस्ट यूज नहीं किया कि हाँ वो एब्सेंट ही होते, मे बी एब्सेंट। लैंग्वेज को ध्यान से देखो, मे वर्ड यूज किया है मैंने, हो सकते हैं कि एब्सेंट हो। ओके, दैट इज आवर सेकेंड पॉइंट, वट आर द फीचर्स ऑफ द सीआईएस एनवायरमेंट। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर। आवर थर्ड पॉइंट इज प्रॉब्लम्स फेस्ड व्हाइल शिफ्टिंग फ्रॉम मैनुअल टू सीआईएस। क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करेंगे, किन किन प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं। नंबर वन, यही जो चीजें आपने फीचर्स के अंदर पढ़ी है मैनुअल में और सीआईएस में, जो चीज अच्छी है वो प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज अच्छी नहीं है इट बिकम्स ए प्रॉब्लम। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम, विजुअल ऑब्जर्वेशन। विजुअल ऑब्जर्वेशन जो चीज मैनुअल के अंदर होती है, जो चीजें मैनुअल में होती हैं वो चीजें मुझे नहीं पता। जर्नल फोलियो मुझे पता है मैनुअल में, लेजर फोलियो मुझे पता है कि ये वाउचर किस जगह पर पोस्ट हुआ है। जर्नल फोलियो मैं वाउचर के ऊपर लिख देता हूं, जर्नल से ये आगे किस लेजर में गया है मैं लेजर फोलियो नंबर लिख देता हूं मैनुअल में, बट ये चीजें यहां पर नहीं होती। कंप्यूटर में ट्रांजेक्शन हुई, वो अपने आप अपने सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड, कोडिंग सिस्टम डेवलप होता है, बाइनरी कोड्स होते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, तो जो कंप्यूटर का अपना कोडिंग सिस्टम है उसकी अकॉर्डिंग वो अपने आप अपनी फाइनल लोकेशन तक पहुंच जाती है, मुझे पता नहीं चल पाता। नंबर दो, इंटरनल स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा है वो सारा का सारा एक सेंट्रल लोकेशन पर कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के ऊपर, उसकी मेमोरी के ऊपर स्टोर्ड होता है, और यदि उसकी हार्ड डिस्क में कोई गलती हो गई, हार्ड डिस्क में कोई एरर आ गया, ठीक, तो इन दैट केस यदि उस हार्डवेयर के अंदर, हार्ड डिस्क इज एन हार्डवेयर, यदि उस हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई या फिर उसके अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम फीड कर दिया गया जिसे वायरस कहते हो, डाटा के डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम देगा हमें। चेंजेस इन प्रोग्राम्स, जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को कर रहे हैं, जब हम कंप्यूटराइज सिस्टम पर ट्रांजेक्शन को करते हैं, ये सिस्टम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया है अकाउंटिंग एक्सपर्ट की नॉलेज को अंडरस्टैंड करके, उसके साथ डिस्कशन करके कि अकाउंटेंट को क्या चाहिए, अकाउंटेंट को क्या चाहिए उसकी अकॉर्डिंग, उसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को जानकर उसने क्या किया, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया। लेकिन यदि सॉफ्टवेयर के पैरामीटर में कोई चेंज कर दिया जाए, एक प्रोग्राम के अंदर कोई चेंज कर दिया जाए, उसका रिजल्ट क्या होगा। प्रोग्राम में चेंज होते ही जो हमारा रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, इट विल गेट चेंज्ड और नॉट। प्रोग्राम में चेंजेस करके क्या रिजल्ट्स में चेंजेस लाए जा सकते हैं या नहीं लाए जा सकते, यस,
देयर मे कमिट द चेंजेस इन द रिजल्ट। फिफ्थ, यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस आपने आईटी के अंदर पढ़ी होंगी। तो जब हम एक सीआईएस एनवायरमेंट के अंदर काम करते हैं, वहां पर कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज को यूज करता है। जो लैंग्वेज एक अकाउंटेंट को या एक ऑडिटर को इजीली अंडरस्टैंड एबल नहीं होती, तो अंडर दैट सिचुएशन इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। हाउ टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, हम उसको समझ नहीं पाते। Disappearance of audit trail. ट्रांजेक्शन का फ्लो हम समझ नहीं पाते। कानपुर ऑडिट ट्रेल का टॉपिक डिटेल में आगे आना है अभी। Disappearance of audit trail. ऑडिट ट्रेल, ट्रेल यदि सिंपल बताओ ट्रेलिंग क्या होती है, ट्रेल ट्रेलिंग का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, हाउ यू विल डिफाइन द वर्ड ट्रेल, बताओ जल्दी से। ट्रेल पाथ फॉलो और पाथ, संगरूर गलत, टेस्ट चेकिंग नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप, ट्रैक ट्रैक करना, ठीक। ट्रेल मतलब किसी चीज का पीछा करना, ए पर्सन इज ट्रेलिंग समवन, दैट मीन वो किसी चीज का पीछा कर रहा है, टू फॉलो समथिंग। तो वही चीज क्या है, एक ट्रांजेक्शन कैसे हुई, हुई तो कहां रिकॉर्ड हुई, रिकॉर्ड हुई तो वहां से कहां पोस्ट हुई, कहां पोस्ट हुई वहां से कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बना। एक ट्रांजेक्शन को उसकी बिगिनिंग से लेकर एंड तक उसका पीछा करना, उसको एग्जामिन करना, दैट इज नोन एज द ऑडिट ट्रेल। ओके, सो इन दैट केस ये चीजें, पांच चीजें हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है इन केस हम शिफ्ट करते हैं मैनुअल से सीआईएस एनवायरमेंट के अंदर। विजुअल ऑब्जर्वेशन, हमें नहीं पता होता कि एक वाउचर कहां पर रिकॉर्ड हो रहा है, उसका जर्नल फोलियो क्या है, उसका लेजर फोलियो क्या है। इंटरनल स्टोरेज, डाटा स्टोर्ड ऑन ए सेंट्रल लोकेशन कंप्यूटर मेमोरी। चेंजेस इन प्रोग्राम, चेंजेस इन प्रोग्राम से मतलब कि हम प्रोग्राम्स के अंदर अपना कंट्रोल नहीं रख पाते। जैसे मैनुअल सिस्टम में यदि कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो, मैनुअल सिस्टम में यदि कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो, उसका रिजल्ट क्या है, मैं इमीडिएटली अपना अकाउंटिंग प्रोसेस चेंज कर दूंगा, लेकिन कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या वो कंट्रोल मेरे हाथ में होगा, नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि यदि एक ट्रांजेक्शन के इफेक्ट को चेंज करना है कैसे करूं, तो उस सिचुएशन के अंदर आई हैव टू अगेन टेक द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मुझे फिर उसके प्रोग्राम को चेंज करवाना पड़ेगा, एंड इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम। यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है, हम इन चीजों को नहीं समझ सकते, ऑब्जेक्ट कोड सोर्स कोड की लैंग्वेज को, एंड डिस अपीयरेंस ऑफ ऑडिट ट्रेल। दैट वाज आवर थर्ड टॉपिक। इसके बाद अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप इन सीआईएस एनवायरमेंट।
ये हमारा इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप इन सीआईएस एनवायरनमेंट। एक सीआईएस एनवायरनमेंट के अंदर क्या ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव या स्कोप में कोई चेंज आएगा? Whether there will be any change in objective and scope of audit in CIS environment. What is the objective of auditor? Objective batao. Auditor ka objective kya hai? Ek center ne kaha no, Patna ne, Bokaro ne aur Panipat ne kaha yes. Dekho ab, abhi discuss karte hain, fir yes no puchunga aapse. ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरठ ने कहा टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ओके, किस पर? हरिद्वार ने कहा ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जनरल ऑब्जेक्टिव मैंने डिस्कस कर लिया। स्कोप ऑफ ऑडिटर, स्कोप ऑफ ऑडिटर की जगह स्कोप ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की ड्यूटीज का स्कोप क्या है? ऑडिटर ने जो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है उसका स्कोप क्या है? एज डिसाइडेड बाय रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और एज डिसाइडेड बाय लेटर ऑफ एंगेजमेंट। मुझे क्या करना है वो लॉ डिटरमाइन करता है। जैसे यदि कंपनी लॉ की बात करूं, सेक्शन 227 डिटरमाइन करता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ठीक वो डिटरमाइन करते हैं, या मेरा लेटर ऑफ एंगेजमेंट डिटरमाइन करता है कि मेरे को क्या करना है, कि इस ओपिनियन को फ्रेम करने के लिए, टू फ्रेम द ओपिनियन टू डिटरमाइन द कंक्लूजन व्हाट आई नीड्स टू डू, मेरे को क्या करना है। जैसे ये चीजें क्या कहते हैं, टू कलेक्ट सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, टू परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल, टू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्या मैंने काम करना है, ये मेरे काम की लिस्ट है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, हां जी पानीपत और बोकारो इन दोनों ने कहा था यस ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाएगा। अब बताओ यदि इंटरनल, यदि ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कंप्यूटर्स पर हो रही है तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या चेंज होगा? अब पानीपत ने आंसर चेंज कर दिया बड़ी जल्दी से, नो। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, हरिद्वार ने भी नो कर दिया। ऑब्जेक्टिव रिमेन्स सेम, ऑब्जेक्टिव थोड़ी चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव रिमेन्स सेम। चलो हां जी, अब पानीपत वाले कह रहे हैं स्कोप विल चेंज, गलत। हां जनकपुरी आंसर बिल्कुल ठीक है आपका, अभी डिस्कस करूंगा उस पॉइंट को। अब पानीपत कह रहा है स्कोप चेंज हो जाएगा,
अभी ये थोड़ी देर में कहेगा नहीं, फिर ये भी नहीं चेंज होगा। स्कोप क्या चेंज हो जाएगा? क्या ये प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करोगे? क्या ये प्रोसीजर चेंज नहीं करोगे, चेंज कर दोगे? क्या ऑडिट एविडेंस जो सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट है वो कलेक्ट नहीं करोगे? क्या सफिशियंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करोगे या नहीं करोगे? क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे? टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे? एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे? सेम। चेंज क्या होगा? अप्रोचेस टू स्कोप विल चेंज। ये प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने का तरीका चेंज होगा। ऑडिट एविडेंस तो मेरे को कलेक्ट करने ही करने हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स तो मेरे को परफॉर्म करने ही करने हैं, ऑडिट एविडेंस तो मेरे को कलेक्ट करने ही करने हैं, लेकिन उसमें चेंज कहां पर आएगा? उसकी अप्रोच में चेंज आएगा। जो चीजें पहले मैं एक मैनुअल एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रहा था, वहां पर ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट कर पाना कंपैरेटिवली इजी था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल को एक्सरसाइज कर पाना कंपैरेटिवली इजी था, लेकिन अब वही चीजें सीआईएस एनवायरनमेंट के अंदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, वो चीजें जहां पर कंप्यूटर काम कर रहा है, डिफिकल्ट हो जाएगा। अब कंप्यूटर पर इंटरनल कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज करती है? डिजिटल सिग्नेचर का यूज, पब्लिक की प्राइवेट की का यूज, एक कंप्यूटराइज सिस्टम में यूज ऑफ पासवर्ड्स, लिमिट्स, एक मल्टीपल अपडेट, थ्रेट्स टू डाटा, डाटा डिस्ट्रक्शन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल, कंट्रोल ओवर इनपुट, एक्सेस टू डाटा, ये नेचर चेंज होगी। इफेक्ट किस पर आएगा? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, दे विल चेंज। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, दे विल चेंज। लेकिन जो मेरा स्कोप है कि मेरे को एक रिपोर्टिंग करनी है, मेरे को कारों पर रिपोर्ट करनी है, क्या मेरी कारों की रिपोर्टिंग रुक जाएगी? कारों की रिपोर्टिंग मुझे करनी पड़ेगी। यदि मेरी ड्यूटी के अंदर 227(1)(a) की रिपोर्टिंग आती है, क्या वो रिपोर्टिंग मुझे नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। ठीक, यदि मेरे को 227(2) की रिपोर्टिंग करनी है, 3 की रिपोर्टिंग करनी है, डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन की रिपोर्टिंग करनी है, क्या मेरा स्कोप ज्यादा या कम होगा? नहीं, स्कोप रिमेन्स सेम। चेंज क्या होगा? अप्रोच। उस स्कोप को परफॉर्म करने की जो अप्रोच है, इट विल गेट चेंज। हां जी, भोपाल आईएसए इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट यहीं पर काम आएगा। ये सारी की सारी चीजें चलती हैं फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की तरह से। पानीपत कह रहा है फ्रॉड चांसेस मोर इफ मैनुअल, हेंस स्कोप चेंज। स्कोप चेंज नहीं होगा, स्कोप की अप्रोच चेंज होगी। स्कोप तो आपका क्या है कि आपको कारों की रिपोर्टिंग करनी है, आपको 227(1)(a) की रिपोर्टिंग करनी है, आपको 227(2) की रिपोर्टिंग करनी है, आपको 227(3) की रिपोर्टिंग करनी है। क्या ये चेंज हो जाएगी? नहीं। इस रिपोर्टिंग को करने के लिए जो नेसेसरी एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, एविडेंस की नेचर चेंज हो जाएगी। प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की नेचर, उनके टाइमिंग, उनकी एक्सटेंट चेंज हो जाएगी, लेकिन पर्पस क्या रहेगा? ड्यूटी क्या रहेगी मेरी? कारों की रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी? नहीं। 1A की रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी? नो। 2 की रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी? नो। 3 की रिपोर्टिंग खत्म होगी? नो। रिपोर्टिंग इज स्टिल रिक्वायर्ड टू बी मेड, रिपोर्टिंग मुझे करनी ही करनी है। राइट। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव
डज नॉट चेंज, व्हाट इज द चेंज, चेंज होगा किसमें, अप्रोचेस के अंदर, द ओनली चेंज दैट विल टेक्स प्लेस इट विल बी इन द अप्रोच टू सीआईएस ऑडिट, अप्रोच टू स्कोप ऑफ वर्किंग, बट जहां तक बात आती है ऑब्जेक्टिव की एंड स्कोप की, इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम, राइट। ये था मेरा पहला पॉइंट, दैट वाज इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट्स ऑफ सीआईएस एनवायरनमेंट। ओके, इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो है क्या ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप इन द सीआईएस एनवायरनमेंट विल चेंज। आंसर इज कंक्लूजन, मैं आपको बता रहा हूं, डिटेल आप लिख लेना नोट्स में से पढ़कर। कंक्लूजन क्या है, द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप इन एन सीआईएस एनवायरनमेंट विल नॉट चेंज, हाउ एवर द ओनली चेंज इज इन द अप्रोचेस टू, द ओनली चेंज इज इन द अप्रोचेस टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने की जो अप्रोच है उसमें चेंज आएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट्स के ऊपर, एंड दैट इज टेक्निकल मैटर जो हमें डिस्कस करने, क्या यही आएगा, आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। सेकंड हमारा मेन बात है टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में हम सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स की। इसके अंदर इसके मेन फीचर्स क्या क्या है, पांच मेजर पॉइंट है, पेज नंबर 94 पर है ये। पहला, कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस। नंबर दो, प्रोग्राम्ड कंट्रोल्ड प्रोसीजर्स। नंबर तीन, मल्टीपल अपडेट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन। नंबर चार, सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शंस। नंबर पांच, वल्नरेबिलिटी जिसे आप कह सकते हैं थ्रेट्स टू डाटा। पांच पॉइंट है, अब इन्हें समझते हैं ये क्या क्या है। कि जब हम एक सीआईएस एनवायरमेंट की डिजाइनिंग कर रहे हैं, उसकी प्रोसीजरल को डेवलप कर रहे हैं, दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हमारे सामने उसके मेन फीचर की फॉर्म में आती है। पहला पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस। क्या कहता है, कंप्यूटर के अंदर यदि एक पैरामीटर को जिस वे में डाला गया उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमेशा एक ही रिजल्ट दिखाएगी। यदि मैं एक कैलकुलेशन को, वही एग्जांपल लूं कि एक कैलकुलेटर पर एक कैलकुलेशन को बार बार करूं, कैलकुलेटर सेम रिजल्ट देगा यदि मेरी इनपुट सेम है, सेम इनपुट का सेम आउटपुट आएगा कंप्यूटर के ऊपर। लेकिन मैनुअल में क्या मैं इस गलती को कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ठीक।
क्या मैनुअल में मैं इस गलती को कर सकता हूं या नहीं कर सकता। एक ट्रांजेक्शन एक बार टोटल निकाल दिया 5 लाख समथिंग, दूसरी बार करने बैठा तो टोटल कुछ और निकल सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। लेकिन सीआईएस एनवायरमेंट में कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस रहेगी, एवरी टाइम जो इनपुट डाली जा रही है यदि इनपुट सेम है तो आउटपुट विल ऑलवेज बी रिमेन सेम। एक इनपुट सेम इनपुट की आउटपुट हमेशा सेम रहेगी, कभी डिफर नहीं हो सकती। बट मैनुअल सिस्टम के अंदर ड्यू टू ह्यूमन एरर, ठीक, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी के कारण देयर इज ए चांस कि परफॉर्मेंस चेंज हो सकती है। इसके अलावा यदि मैंने एक ट्रांजेक्शन की कोडिंग की और ट्रांजेक्शन की कोडिंग मेरी इस तरह से है कि 5000 रुपए से कम का कोई भी एक्सपेंस है, 5000 रुपए से कम का कोई भी एक्सपेंस है, वो सारा का सारा कंप्यूटर कोडिंग के अंदर मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर चला जाता है। 5000 रुपए से कम का कोई भी एक्सपेंस है, मेरी कोडिंग इस तरह से है कि वो हमेशा मिसलेनियस एक्सपेंस में चला जाए। लेकिन मैनुअल सिस्टम में हो सकता है मैं उसकी सेपरेट रिकॉर्डिंग कर दूं, मैं हो सकता है उस ट्रांजेक्शन को किसी और अकाउंट में रिकॉर्ड कर दूं। जैसे मैंने वेजेस पे की एग्जांपल लेता हूं, वेजेस पे की मैंने 4000 रुपए की, तो ये ट्रांजेक्शन मैं अपनी मैनुअल में कहां लेकर आऊंगा, मैनुअल में, और सीआईएस में। मैनुअल में वेजेस अकाउंट में, सीआईएस में भी मैंने वेजेस अकाउंट में ले गया। क्यों? मैंने नाम क्या यूज किया, वेजेस, जनरल एक्सपेंस रिफ्रेशमेंट के, ₹3000, जनरल एक्सपेंस। अब यहां पर मैं एक चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जैसे जनरल एक्सपेंस रिफ्रेशमेंट का था 3000, कंप्यूटर में कोडिंग कर रखी है, 5000 रुपए से कम का कोई भी एक्सपेंस है उसको जनरल एक्सपेंस में ले आना। लेकिन मैनुअल में मैंने क्या किया, मेरी थिंकिंग काम कर रही है कि ये रिफ्रेशमेंट लेबर के लिए करवाई गई थी, मैंने उठाकर इसे कहां डाल दिया, वेजेस अकाउंट में डाल दिया। तो रिजल्ट, मैनुअल के अंदर हम अपने पर्टिकुलर्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में तो जो एक बार पैरामीटर डल गए सॉफ्टवेयर में वो हमेशा एक ही परफॉर्मेंस दिखाएगा। कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस इज देयर, वहां पर कोई चांसेस नहीं है किसी भी तरह की वेरिएशंस के। हाँ, भोपाल मैनुअल में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है प्रोग्राम्ड कंट्रोल प्रोसीजर्स। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हम डेटर को 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड देते हैं, बियॉन्ड दैट 15% का इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, बियॉन्ड दैट 15% का इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। मैनुअल सिस्टम में आपने एक अकाउंट बैलेंस डाला डेटर के अकाउंट में, सीआईएस के अंदर आपने वही बैलेंस डाला। अब बताओ कौन सा सिस्टम अपने आप बिना हमारे से पूछे 2 महीने बाद 15% इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी शुरू कर देगा? कौन सा सिस्टम 2 महीने बाद बिना हमारे से पूछे 15% इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी शुरू कर देगा? सीआईएस ऐसा प्रोसीजर है
जो जिसका कंट्रोल प्रोग्रामिंग के अंदर ही है अपने आप। दूसरी चीज, डेटर लिमिट 10 लाख रुपए की है। डेटर की लिमिट 10 लाख रुपए की है। मैंने एक ट्रांजैक्शन की, डेटर डेबिट 15 लाख टू सेल्स 15 लाख। कौन सा सिस्टम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा? कौन सा सिस्टम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा? CIS एरर दिखा देगा, एक विंडो अपीयर हो जाएगी, एरर आ जाएगा और लिखा हुआ आ जाएगा अमाउंट एक्सीड्स द लिमिट। तो ये चीज आती है, मैनुअल सिस्टम में इस तरह के कंट्रोल पॉसिबल नहीं है कि हमारा जो अकाउंटिंग का सिस्टम है वहीं पर ही कंट्रोल एक्सरसाइज हो जाए। नो, ये चीजें किसका फीचर है? CIS सिस्टम का। वहां पर सिस्टम के अंदर इनबिल्ट फीचर है कंट्रोल के, सिस्टम के अंदर इनबिल्ट फीचर है कंट्रोल के। अब जैसे एक और चीज लें, डाटा असेस की लें, मिस्टर एक्स चेक करना चाहता है कंपनी का जनरल लेजर, या मिस्टर एक्स कैशियर है, कैशबुक मिस्टर वाई बनाता है, एक दिन मिस्टर वाई छुट्टी पे था, मिस्टर एक्स ने क्या किया, कैशबुक के अंदर एक एंट्री पास कर दी 5000 रुपए की, ठीक, और 5000 रुपए खुद पर्सनल यूज में निकाल लिए। लेकिन यदि यही चीज CIS सिस्टम में है, क्या ये कैशबुक को ओपन कर पाएगा? क्या ये कैशबुक को ओपन कर पाएगा जिसका पासवर्ड किसके पास है? मिस्टर वाई के पास। जब ये कैशबुक को ओपन करना चाहेगा, कंप्यूटर को ओपन करना चाहेगा, कंप्यूटर विल डिमांड पासवर्ड, और पासवर्ड इसके पास है नहीं, तो क्या ये असेस कर पाएगा? नहीं। असेस नहीं कर पाया तो क्या मैंने कंट्रोल एक्सरसाइज कर लिया या नहीं कर लिया? कर लिया। सो दैट इज व्हाट, कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करके ही कंट्रोल को एक्सरसाइज कर सकते हैं। वी कैन एक्सरसाइज द कंट्रोल बाय मेकिंग द कंट्रोलिंग टेक्निक्स, बाय अप्लाइंग द कंट्रोलिंग टेक्निक्स इन द प्रोग्राम इटसेल्फ, प्रोग्राम के अंदर ही करके। तीसरा पॉइंट, मल्टीपल अपडेट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर अकाउंट, गुड्स खरीदे। नाउ अब ट्रांजैक्शन होने के बाद इसका इफेक्ट देखो मैनुअल में, परचेज अकाउंट में इसका इफेक्ट, क्रेडिटर अकाउंट में इसका इफेक्ट, इन्वेंटरी बैलेंस में इसका इफेक्ट, क्या अपने आप आ जाएगा? जल्दी से बताओ। एक एंट्री मैनुअल अकाउंट में पोस्ट करने से
क्या इसका इफेक्ट परचेज अकाउंट में, क्रेडिटर अकाउंट में, इन्वेंट्री अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बट सीआईएस एनवायरनमेंट के अंदर, सीआईएस एनवायरनमेंट के अंदर जैसे ही आपने ये एंट्री डाली, इस एंट्री के रिलेशन में जितने अकाउंट हैं, इस एंट्री के रिलेशन में जितने अकाउंट हैं, ऑटोमेटिक अपडेशन हो जाएगी। ऑटोमेटिक अपडेशन विल टेक प्लेस। ये चीज आ गई हमारे थर्ड पॉइंट में, मल्टीपल अपडेट ऑफ सिंगल ट्रांसैक्शन। फोर्थ पॉइंट है हमारा सिस्टम जनरेटेड ट्रांसैक्शंस। सिस्टम विल इटसेल्फ जनरेट द ट्रांसैक्शंस। जैसे एग्जांपल लें, एक बैंक में क्वार्टरली इंटरेस्ट लगता है, लेट्स से सेविंग अकाउंट पर, नाउ इन दिस केस क्या हर बैंक को क्वार्टर के एंड में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी कि हां इंटरेस्ट क्रेडिट कर दो सेविंग अकाउंट में, या कंप्यूटर विल ऑटोमेटिकली कंप्यूट द इंटरेस्ट एंड क्रेडिट? हां जी जल्दी बताओ, वेदर देयर विल बी एन ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग इन सीआईएस सिस्टम और नॉट? मेरठ बिल्कुल ठीक, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग। बट मैनुअल सिस्टम के अंदर, इन द केस ऑफ मैनुअल सिस्टम, क्या हमें इस रिकॉर्डिंग के लिए इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? इसके अलग अलग वाउचर बैठकर बनाने पड़ेंगे या नहीं बनाने पड़ेंगे? मैनुअल सिस्टम में हमें बैठकर इनके वाउचर बनाने पड़ेंगे, इनकी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। बट कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये चीजें ऑटोमेटिकली हैं। हमारा सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली इस ट्रांसैक्शन को जनरेट कर देगा, बट मैनुअल सिस्टम इस ट्रांसैक्शन को ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं करेगा। इसके बाद वल्नरेबिलिटी ऑफ डाटा, थ्रेट्स। क्योंकि डाटा स्टोर्ड होता है एक मीडियम पर, हार्ड डिस्क पर, उसकी चोरी होने के चांस दे आर मोर। डाटा का जो स्टोरेज मीडिया है, मैग्नेटिक डिस्क की बात कर लो, मैग्नेटिक टेप की बात कर लो, हार्ड डिस्क की बात कर लो, ठीक, इस हार्ड डिस्क में थ्रेट्स हैं किस किस चीज के? थेफ्ट के, एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन, जैसे थ्रू एनी एरर इन प्रोग्राम्स, बाय मिस्टेक, वॉलंटरी डिस्ट्रक्शंस, जानबूझकर कोई पर्सन गड़बड़ कर सकता है, डाटा करप्ट कर सकता है, ये चांसेस हैं इसके अंदर। तो इसके लिए हमें डाटा की सिक्योरिटी पर फोकस करने की जरूरत है। वी आर रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द डाटा। हां जी, वायरस, हैकिंग हो सकती है, डाटा करप्ट हो सकता है, डाटा लॉस हो सकता है। सो इन दैट मैनर, दीज आर द 5 पॉइंट्स जो कवर होते हैं हमारे डिजाइन एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। जम्मू सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट का डिफरेंस, डिब्रूगढ़ थर्ड एंड फोर्थ का डिफरेंस। सेकंड में क्या है, जैसे प्रोग्राम कंट्रोल प्रोसीजर्स थ्रू यूज ऑफ पासवर्ड्स, हम कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं प्रोग्राम्स के थ्रू ही, ठीक, प्रोग्राम के थ्रू। यूज ऑफ पासवर्ड, फिक्सिंग लिमिट्स,
giving authorizations, etc. मल्टीपल अपडेट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि एक ट्रांजेक्शन अपना इफेक्ट कहां कहां पर लेगी। मैनुअल में मेरे को इंडिविजुअल पोस्टिंग करेगी, लेकिन सीआईएस सिस्टम के अंदर ट्रांजेक्शन की एंट्री डालते ही मल्टीपल अपडेट अपने आप हो जाएंगे। मास्टर फाइल अपडेट हुई, उसके रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन फाइल, सारे ट्रांजेक्शन अकाउंट अपने आप अपडेट हो जाएंगे। सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन, ये क्या है? सिस्टम जनरेटेड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शंस हैपेंस ऑटोमेटिकली एज पर प्रोग्राम, नो स्पेसिफिक ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड। कोई स्पेसिफिक ऑथोराइजेशन की जरूरत नहीं है, ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली क्योंकि प्रोग्राम के अंदर फीड है अपने आप हो जाएंगे, कोई भी ऑथोराइजेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। राजौरी गार्डन फर्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, कि एक बार जो कंप्यूटर को कहा गया वो उसी फॉर्म में अपनी प्रोसेसिंग को करेगा। कंप्यूटर में डाटा वंस फीड, इट विल गिव द रिजल्ट सेम एवरी टाइम, इट विल नॉट गिव द 2+2 4 दिस टाइम एंड 2+2 = 3 नेक्स्ट टाइम। मैनुअल में ये चीजें हो सकती हैं, टोटलिंग करते वक्त हम गलतियां कर सकते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करते वक्त हम गलतियां कर सकते हैं, पोस्टिंग करते वक्त हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर यदि मेरे पैरामीटर ठीक है तो गलती कभी नहीं हो सकती। देखो, जो जहां तक पॉसिबिलिटी की बात है, ठीक पॉसिबिलिटी की बात है, तो ये सारी चीजें कि हम टू सम एक्सटेंट एक मैनुअल सिस्टम के अंदर भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, टू सम एक्सटेंट, लेकिन नॉट 100%। नाउ, अब इसके बाद इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनल कंट्रोल इन सीआईएस एनवायरमेंट। इंटरनल कंट्रोल इन सीआईएस एनवायरमेंट, हमारे जितने भी इंटरनल कंट्रोल हैं हम उन्हें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? पहला, जनरल सीआईएस कंट्रोल, जनरल कंट्रोल। दूसरा, CIS एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल में पांच कंट्रोल आते हैं। नंबर वन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। नंबर दो, सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंट्रोल। नंबर तीन, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल। ऑपरेशंस कंट्रोल एंड डाटा एंट्री कंट्रोल्स।
एप्लीकेशन कंट्रोल में हमारे तीन कंट्रोल आते हैं, कंट्रोल ओवर इनपुट, कंट्रोल ओवर प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ओवर आउटपुट। क्या है अब ये टोटल? दो मेजर कैटेगरीज हैं हमारी कंट्रोल की, वन इज जनरल सीआईएस कंट्रोल, सेकेंड इज सीआईएस एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल को हमने लिया। जस्ट अब हम पहले एक कंट्रोल की बात करते हैं इन एन एंटिटी, कि एक एंटिटी जो कंप्यूटराइज्ड में है या नहीं है, वो अपने वेरियस कंट्रोल को एक्सरसाइज करती है, जैसे कंट्रोल ओवर परचेज, कंट्रोल ओवर सेल्स, कंट्रोल ओवर स्टाफ, कंट्रोल ओवर अदर मैटर्स इंक्लूडिंग परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, परचेज ऑफ इन्वेंटरीज, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एटसेट्रा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। हर एक एंटिटी अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल अप्लाई करती है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का एक नया एस्पेक्ट निकाला हमने, कि ऑर्गेनाइजेशन में सारी की सारी वर्किंग या मेजर वर्किंग कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पर चलती है। तो इन केस कि जब एक वर्किंग मेनली कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के ऊपर चलती है, तो यहां पर हम किस तरह के कंट्रोल को एक्सरसाइज करेंगे? पहला कंट्रोल आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कंट्रोल का। यहां पर किस तरह की कंट्रोलिंग एक्टिविटी हम एक्सरसाइज करें? ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कंट्रोल, कि किस पर्सन को कौन सी अथॉरिटी देनी है और उस अथॉरिटी को यूज करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उसको प्रोवाइड करनी है। मेन बात हमारी इस कंट्रोल के अंदर आती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। प्राइमरली वी आर कंसर्न्ड विद द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हेयर। वी आर रिक्वायर्ड टू डेवलप द पॉलिसी कि सीआईएस फंक्शन के डिफरेंट मैटर्स को, कि लाइक सिस्टम कहां से परचेज करने हैं, सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, कौन सा पर्सन डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा, मास्टर फाइल्स क्या होंगी, ट्रांजैक्शन फाइल कौन होंगी, किस पर्सन को ऑथराइजेशन है अपडेशन करने की प्रोग्राम में, कौन से पर्सन डाटा एंट्री करवाएंगे, कौन से पर्सन कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को एक्सरसाइज करेंगे। सो विद दीज थिंग्स हमें इस कंट्रोल को एक्सरसाइज करना है सीआईएस के लिए। ईडीपी ऑडिट के लिए वी आर रिक्वायर्ड टू कंसिडर, ईडीपी के लिए, सीआईएस के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगी। जैसे यदि हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिजनेस की जनरल, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेजिडेंट्स, वाइस प्रेजिडेंट्स, जनरल मैनेजर, तो इसी तरह से मेरे को पॉलिसी डेवलप करनी है, पॉलिसी डेवलप करनी है, प्रोसीजर डेवलप करना है, किसके लिए? सीआईएस फंक्शन के लिए। सीआईएस फंक्शन में कौन सा पर्सन क्या रोल प्ले करेगा? जैसे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, प्रोग्रामर, ऑपरेटर, कंट्रोलर। सीआईएस फंक्शन का स्टाफ अलग होगा पूरा का पूरा। उन पर्सन के ऊपर मुझे कंट्रोल एक्सरसाइज करना है बाय फिक्सिंग कि एक पर्सन को जो मैं अथॉरिटी दूं, वो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसको फंक्शन मिले। इनकम्पेटिबल फंक्शन ना होने चाहिए कि एक पर्सन को एक काम करने के लिए दे दूं और उस पर्सन को उस चीजों की नॉलेज ही ना हो। पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स शुड बी रिलेटेड टू द कंट्रोल फंक्शन एंड देयर शुड बी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वीडियो प्रॉब्लम।
नाउ ओके चलिए फिर हमारा दूसरा कंट्रोल आता है अब सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। हमने जो अपना सिस्टम सीआईएस का बनाना है बना बनाया रेडीमेड मार्केट से खरीदें जैसे टेली बीजी सैप एक तो इस ईआरपी प्रोग्राम या फिर हम उसको खुद डेवलप करवाएं उसकी ऑथोराइजेशन उसकी टेस्टिंग उसकी कन्वर्जन उसकी डॉक्यूमेंटेशन वो सारी चीजें। कौन सा पर्सन हमारे सिस्टम के प्रोग्राम्स में चेंज करने के लिए ऑथोराइज्ड होगा कंट्रोल एक्सरसाइज करने की जरूरत है विच पर्सन्स आर ऑथोराइज्ड टू मेक द चेंजेस इन द प्रोग्राम्स फ्रॉम वेयर टू परचेज द सिस्टम हाउ टू परचेज द सिस्टम एंश्योर फॉर इट्स रेगुलर अपडेशन एंड द मेंटेनेंस।
हां जी ब्रेक इज ओवर। नाउ जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था इंटरनल कंट्रोल इन सीआईएस एनवायरनमेंट, सारे कंट्रोल्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, वन इज जनरल कंट्रोल, सेकेंड वन इज द एप्लीकेशन कंट्रोल। जनरल कंट्रोल में हमने पांच कंट्रोल लिए। पहला कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कंट्रोल, यहां पर हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना है। नंबर वन, नोट्स में से ले रहा हूं पेज नंबर 95 पर, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, एचआर की क्या पॉलिसी है, एचआर के ह्यूमन रिसोर्स के क्या प्रोसीजर हैं अपने स्टाफ के ऊपर कंट्रोल को रेगुलेट करने के लिए। टू एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द पर्सन, व्हाट आर द पॉलिसीज एंड व्हाट आर द प्रोसीजर्स। नंबर दो, एप्रोप्रिएट सेग्रीगेशन ऑफ इनकम्पेटिबल फंक्शन, यदि एक फंक्शन दो फंक्शन को एक कॉमन पर्सन परफॉर्म नहीं कर सकता तो वो फंक्शन जो इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर आता है उसे डिवाइड कर दो। दैट मीन्स कि यदि एक डाटा एंट्री, डाटा मेंटेनेंस, ये दोनों चीजें सेम पर्सन की अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, देन द फंक्शन शुड बी डिवाइडेड। डाटा ऑपरेटर कोई और होना चाहिए, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कोई और होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड हमारा कंट्रोल है सिस्टम की डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के ऊपर। सिस्टम की डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, क्या हमने अपने इस कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को बाहर से खरीदना है या डेवलप कराना है। हम खुद डेवलप कराते हैं तो हाउ इट इज टू बी डेवलप, किस पार्टी से डेवलप कराएं, उसकी एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, क्या उसकी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, कैसे इस सिस्टम के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं, हाउ टू एंश्योर द मेंटेनेंस, हमें इन सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। कंट्रोल इज रिक्वायर्ड रिगार्डिंग जब भी कोई सिस्टम नया डेवलप हो या पुराना सिस्टम रिवाइज्ड हो, उसकी टेस्टिंग, कन्वर्जन, इंप्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वी आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द इफेक्टिव कंट्रोल। चेंजेस टू द सिस्टम, असेस टू डॉक्यूमेंटेशन, एक्विजिशन ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम फ्रॉम द थर्ड पार्टी, ये सारे वो एरिया हैं जहां पर कंट्रोल एक्सरसाइज करने की जरूरत है। कंप्यूटर ऑपरेशन कंट्रोल, हमें किन एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करते वक्त। नंबर वन, कि हमारे सिस्टम दे शुड बी यूज्ड फॉर ऑथोराइज्ड पर्पस ओनली। नंबर टू, असेस कंप्यूटर की असेस, सिस्टम की असेस शुड बी ओनली टू ऑथोराइज्ड पर्सन। नंबर तीन, ओनली ऑथोराइज्ड प्रोग्राम्स आर यूज्ड। नंबर फोर, प्रोसेसिंग एरर दे आर डिटेक्टेड एंड करेक्टेड, जितने भी एरर्स आ रहे हैं प्रोसेसिंग को करते वक्त, ऑपरेशंस को परफॉर्म करते वक्त, दे नीड्स टू बी डिटेक्टेड एंड करेक्ट। ऐसे कंट्रोल हम अप्लाई करें कि ऑथोराइज्ड प्रोग्राम ऑथोराइज्ड पर्पस के लिए बाय ऑथोराइज्ड पर्पस पर्सन ओनली। ठीक, तीन सिंपल से वर्ड आ गए, ऑथोराइज्ड प्रोग्राम ऑथोराइज्ड पर्पस के लिए बाय ऑथोराइज्ड पर्सन। इस चीज का कंट्रोल एक्सरसाइज करने की जरूरत है। फिर सॉफ्टवेयर कंट्रोल, सॉफ्टवेयर क्या है जिनके ऊपर एक्चुअल में वर्किंग होती है। दो टाइप के सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं हम यहां पर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेशन सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू हम काम करते हैं, लाइक विंडो, विंडो इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑथोराइजेशन, अप्रूवल, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड न्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन,
ऑफ न्यू सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर यदि आप कोई अपडेशन करते हैं तो उनकी ऑथोराइजेशन और अप्रूवल। कि यदि हम आज की डेट में विंडो पर काम कर रहे हैं, कल को कोई पर्सन कहता है लिनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छा है, तो यदि हम सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं तो कौन पर्सन ऑथोराइज करेगा? हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, हमारे सिस्टम्स के अंदर द कंट्रोल शुड बी देयर, कंट्रोल शुड बी देयर फॉर कन्वर्जन ऑफ एनी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक्विजिशन ऑफ एनी सिस्टम सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। पहला, ऑथोराइजेशन, अप्रूवल, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ न्यू सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एक्सेस टू सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंटेशन। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक, कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर किन प्रोग्रामिंग के ऊपर बना है, उसकी एक्सेस शुड ओनली बी गिवन टू द ऑथोराइज्ड पर्सन। फिर हमारा कंट्रोल आता है डाटा एंट्री एंड प्रोग्राम्स के ऊपर, दैट मीन्स हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। ऑथोराइजेशन स्ट्रक्चर इज एस्टेब्लिश्ड, कौन सा पर्सन ट्रांसैक्शंस को एंट्री करेगा, एंड एक्सेस टू डाटा एंड प्रोग्राम इज रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑथोराइज्ड पर्संस ओनली। विच पर्संस, विच ट्रांसैक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड इनटू द सिस्टम, प्रॉपर कंट्रोल। नंबर टू, डाटा एंड प्रोग्राम की एक्सेस शुड बी गिवन टू द ऑथोराइज्ड पर्संस ओनली। सो इन दिस मैनर ये पांच टाइप के कंट्रोल हैं जो हमने कवर अप किए। पहला कंट्रोल हमारा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर हमें किन चीजों के ऊपर मेन डिस्कशन को करना पड़ेगा, अपनी एचआर पॉलिसी, जो हमारी एचआर पॉलिसीज हैं उनके ऊपर हमें कंट्रोल रखना है, और सेग्रीगेशन, किन चीजों का, इनकम्पेटिबल फंक्शन। इनकम्पेटिबल फंक्शन से मतलब वो फंक्शन जो एक पर्सन परफॉर्म नहीं कर सकता, इनकम्पेटिबल। यदि एक पर्सन को डाटा एंट्री करने की नॉलेज है, एक उसे सिर्फ ये आता है हाउ टू एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर, हाउ टू मेंटेन डाटा इन द सिस्टम, वो चीजें उसे नहीं पता, इन दैट केस दो अलग अलग पर्सन अपॉइंट होंगे, एक डाटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरा डाटा ऑपरेटर। इनकम्पेटिबल फंक्शन, जिस पर्सन को एक फंक्शन नहीं आता वो फंक्शन किसी और पर्सन को असाइन कर दो, इनकम्पेटिबल फंक्शन। सेग्रीगेट, दो फंक्शन यदि इकट्ठे नहीं चल सकते बाय वन पर्सन, उन दोनों फंक्शन को सेग्रीगेट करके अलग अलग पर्सन को असाइन किया जाए। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, एक कि सिस्टम्स में डेवलपमेंट की बात आ रही है, उसके डॉक्यूमेंटेशन की असेस की बात आ रही है, इसके एक्विजिशन की बात आ रही है, उन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम बात कर रहे हैं मेनली ऑथोराइजेशन की, टेस्टिंग की, इंप्लीमेंटेशन की और असेस की। ऑपरेशन, ऑथोराइज पर्सन, ऑथोराइज प्रोग्राम के लिए एंड ऑथोराइज पर्पस के लिए, ऑथोराइज प्रोग्राम्स के ऊपर काम हो फॉर ऑथोराइज पर्सन बाय ऑथोराइज पर्सन। डाटा एंट्री कंट्रोल, ऑथोराइजेशन वही चीज चाहिए, ऑथोराइजेशन एंड रेस्ट्रिक्टेड असेस, रेस्ट्रिक्टेड असेस। ऐसे नहीं कि डाटा के ऊपर सभी पर्सन का कंट्रोल, डाटा को सभी पर्सन असेस कर सके, रेस्ट्रिक्टेड असेस, जिस पर्सन को जिस चीज की रेलिवेंसी है उसी पर्सन को असेस अलाउड की जाए। सेग्रीगेशन से मतलब है डिवाइड करना। इसके बाद फिर अब हम आते हैं अपनी एक्चुअल एप्लीकेशन पर। यहां पर हमने जिन कंट्रोल को किया वो सारे एक जनरल कंट्रोल थे, ये जनरल सीआईएस कंट्रोल है। अब इसी तरह से यदि इनको समझने के लिए एक सिंपल सी यदि बात करूं, जनरल
मैनुअल कंट्रोल जनरल मैनुअल कंट्रोल सीआईएस की जगह मैनुअल कंट्रोल्स की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा स्टाफ मस्ट बी अपडेटेड विद अकाउंटिंग एस्पेक्ट ट्रांसैक्शंस मस्ट बी ऑथराइज्ड अपडेटिंग ऑफ ट्रांसैक्शंस अपडेटिंग ऑफ डाटा एज एंड व्हेन ट्रांसैक्शन इज एग्जीक्यूटेड कंट्रोल ओवर अकाउंटिंग स्टाफ जनरल कंट्रोल है इन्हीं चीजों को मैंने किसके अंदर लिया कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर्स के जनरल कंट्रोल क्या है कंप्यूटर्स के अब फिर हमारी बात आती है मेन अब एप्लीकेशन कंट्रोल के तीन पॉइंट हैं एप्लीकेशन कंट्रोल में इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट क्या है ये चीजें सिर्फ इनपुट के अंदर हमारा कंट्रोल क्या आएगा सिर्फ ऑथराइज्ड ट्रांसैक्शंस की एंट्री हो बाय रेस्ट्रिक्टेड असेस हो ऑथराइज्ड प्रोग्राम्स पर हो यही चीज प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग एरर्स की डिटेक्शन आउटपुट टाइमली आउटपुट अवेलेबल कराई जाए और रेस्ट्रिक्टेड असेस हो जनरल से पॉइंट है कि जो हम एक्चुअल आउटपुट कर रहे हैं पेज नंबर 96 पर आओ पहला पॉइंट इनपुट का ट्रांसैक्शंस आर प्रॉपरली ऑथराइज्ड बिफोर प्रोसेस्ड नंबर दो ट्रांसैक्शंस आर एक्यूरेटली कन्वर्टेड इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म ट्रांसैक्शंस आर नॉट लॉस्ट एडिड डुप्लीकेटेड और इम्प्रॉपरली चेंज्ड इनकरेक्ट ट्रांसैक्शंस आर रिजेक्टेड करेक्टेड एंड इफ नेसेसरी रीसबमिटेड कंट्रोल ओवर प्रोसेसिंग ट्रांसैक्शंस आर प्रॉपरली प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर्स ट्रांसैक्शंस आर नॉट लॉस्ट एडिड डुप्लीकेटेड और चेंज्ड व्हाइल प्रोसेसिंग identification and correction of the processing errors output result must be accurate access to output is restricted to authorized persons only and output is provided to appropriate authorized personnel on a timely basis so processing ke andar hamara main function main control to kya aata hai timely detection of error and their correction aur dusri cheez कि प्रोसेसिंग को करते वक्त कोई भी ट्रांसैक्शन लॉस नहीं होनी चाहिए अपने आप ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए और जो ट्रांसैक्शंस की प्रोसेसिंग हो दैट मस्ट बी एक्यूरेट प्रोसेसिंग इनकम्पैटिबल से हमारा मतलब है दो चीजें जो साथ नहीं चल सकती इनकम्पैटिबल मींस दो फंक्शन जो साथ नहीं चलने चाहिए एग्जाम्पल जैसे कि कैशियर जो कैश कंट्रोल करता है उस पर्सन को कैश बुक की असेस नहीं होनी चाहिए दोनों इनकम्पेटिबल फंक्शन है कैशियर यदि कैश बुक भी मेंटेन करेगा फ्रॉड के चांसेस मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं दैट मीन्स जो पर्सन असेट की कस्टडी रखता है वो पर्सन एक अकाउंटिंग फंक्शन ना परफॉर्म करे अकाउंटिंग और कस्टडी अकाउंटिंग ऑफ ट्रांसैक्शन एंड कस्टडी ऑफ असेट दोनों इनकम्पेटिबल फंक्शन है आपस में राइट सो इन दिस मैनर
मेन चीज जो आपने इसके अंदर अब याद रखनी है, पानीपत ने भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है इनकम्पेटिबल फंक्शन का। अकाउंटेंट एंड ऑडिटर, जो पर्सन अकाउंट्स बना रहा है वही पर्सन उनकी ऑडिट ना करे, दोनों इनकम्पेटिबल फंक्शन है आपस में। मेन चीज अब जो इसके अंदर है, लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है, ठीक, हो सकता है कुछ पॉइंट याद रहे एग्जाम में, कुछ पॉइंट याद ना रहे, लेकिन मेन चीज क्या है, एग्जामिनर चेकिंग करते वक्त अंदर की डिटेल इतनी ज्यादा नहीं पढ़ता जितनी वो हेडिंग्स पढ़ता है। ये 8 पॉइंट याद रखने हैं बड़ी अच्छी तरह से कि ऑल द इंटरनल कंट्रोल आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, वन इज जनरल सीआईएस कंट्रोल एंड सेकंड वन इज द सीआईएस एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन के कंट्रोल बहुत सिंपली है, सिंपली याद हो सकते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। लेकिन जनरल के कंट्रोल 5 कैटेगरी में डिवाइड है, कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कंट्रोल ओवर सिस्टम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, कंट्रोल ओवर सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंट्रोल ओवर सिस्टम ऑपरेशंस, कंट्रोल ओवर डाटा एंट्री एंड द प्रोग्राम्स। 5 कैटेगरीज के अंदर इन कंट्रोल्स को डिवाइड किया गया है। ओके, ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आया हुआ है, मई 2003 में, मई 2007 में, मई 2010 में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एनी 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, डिस्कस इंटरनल कंट्रोल इन सीआईएस एनवायरमेंट। ओके, हाँ, मुजफ्फरनगर बुक से ही याद करें इसे, पॉइंट्स हैं इनके आगे के जो सब पॉइंट्स हैं वो बुक से ही लर्न करो। नाउ, इसके बाद एक टॉपिक ऑडिट ट्रेल, जिसे हमने आज समझा क्या है, बिगनिंग से एंड तक एक ट्रांसैक्शन को ट्रेल करना, पीछा करना, एग्जामिन करना, दैट इज टर्म्ड एज द ऑडिट ट्रेल। कंप्यूटराइज सिस्टम में जनरली एब्सेंट होती है। मीनिंग देखो इसका, ऑडिट ट्रेल इट रेफर्स टू द फैसिलिटी टू ट्रेस इंडिविजुअल ट्रांसैक्शन थ्रू द सिस्टम फ्रॉम सोर्स टू एप्लीकेशन। इन द मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ऑडिट ट्रेल इज डिस्टिंक्ट एंड कैन बी फॉलोड बाय द ऑडिटर थ्रू द डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। हाउएवर, इन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ऑडिट ट्रेल इज ऑफनली मिसिंग एंड इज स्केची। स्केची मतलब हम पेपर पर चार्ट बना सकते हैं कि ट्रांसैक्शन कहां से कहां किस तरह से मूव कर रही है, बट हम उसे फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ए प्रॉपर ऑडिट ट्रेल एंश्योर्स ऑडिट चेकिंग फॉर प्रॉपर प्रोसेसिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ डाटा। रीजंस फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑडिट ट्रेल इन सीआईएस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर जैसे फिजिकली तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स को 7 ईयर्स तक रखते हैं, वर्किंग पेपर्स को, अकाउंटिंग रिकॉर्ड इनकम टैक्स लॉ में 8 साल तक रखते हैं, उसके बाद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन दैट केस कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी हमारे डाटा की मेमोरी, हमारी हार्ड डिस्क की मेमोरी लिमिटेड होती है। ठीक, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम के अंदर रखते हैं? नहीं, हम उसके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स कर देते हैं कि जो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन एग्जीक्यूट हो रही है कि इनका डाटा अवेलेबल रहेगा एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। जैसे एक एग्जांपल लूं, नेट बैंकिंग हम करते हैं, ट्रांजैक्शन हम करते हैं, या नेट बैंकिंग के थ्रू हमें बैंक स्टेटमेंट लेनी होती है, तो वो डाटा सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अवेलेबल होता है, लेट से 5 महीने, 6 महीने, उससे पुराना डाटा अपने आप डिसअपीयर्ड हो जाता है। तो दैट इज द रीजन कि ऑडिट ट्रेल हमें कंप्लीटली अवेलेबल नहीं मिलेगी उस केस में जब डाटा अपने आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डिसअपीयर्ड हो जाएगा। एक और एग्जांपल, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आप नेट पर सर्फिंग करते हैं,
जो साइट आप विजिट करते हैं उन साइट की जो विजिट आपने की है, जो चीजें आपने एग्जामिन की है, सर्फिंग की है, वो डाटा सारा हिस्ट्री में चला जाता है और हिस्ट्री के अंदर वो टेम्परेरी फाइल्स में आपके कंप्यूटर में स्टोर रहता है, टेम्परेरी फाइल्स के अंदर। बट वो टेम्परेरी फाइल्स भी है तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ही ना, दे आर ऑल्सो टेकिंग सम स्पेस। लेकिन आप उसके अंदर क्या करते हैं, एक पैरामीटर फीड कर देते हैं कि डिलीट हिस्ट्री आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 30 डेज। तो 20 डेज तक तो वो डाटा अवेलेबल है आपके पास, लेकिन आफ्टर 20 डेज वो डाटा इट बिकम्स ऑटोमेटिकली डिसअपीयर। सो दैट इज द केस कि सोर्स डॉक्यूमेंट वंस ट्रांसक्राइब्ड इन मशीन रीडेबल फॉर्म आर नॉट रिटेन्ड इन ए मैनर दैट परमिट सब्सिक्वेंट असेस, बाद में असेस नहीं हो पाएगा। मास्टर फाइल मे रिप्लेस द लेजर समरी, ट्रांसैक्शन लिस्टिंग इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड कि ट्रांसैक्शन कहां पर जाकर के रिकॉर्ड होती है उसकी कोडिंग जनरली प्रोवाइड नहीं की जाती। एंड जो रिपोर्ट निकलती है सीआईएस सिस्टम से, दे आर जनरली बाय एक्सेप्शन, जब जरूरत होती है तब प्रोवाइड की जाती है, जनरल फीचर नहीं है। रेमेडी फॉर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑडिट ट्रेल, इसकी रेमेडी क्या है, सॉल्यूशन क्या है, आप एंटिटी का कंप्यूटर प्रोग्राम ही चेक कर लो, एंटिटी का कंप्यूटर प्रोग्राम चेक कर लो। यदि उसका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ठीक है तो ट्रांसैक्शन की प्रोसेसिंग ठीक हुई होगी। इसके अलावा यू कैन यूज द कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। दो टेक्निक है हमारी, वन इज यूज ऑफ टेस्ट डाटा और दूसरा है यूज ऑफ ऑडिट सॉफ्टवेयर और ऑडिट प्रोग्राम, अभी डिस्कस करेंगे हम इसको। सो इस तरह से ऑडिट ट्रेल का मीनिंग, उसके रीजंस और उसकी रेमेडीज आपको कवर करना है। हरिद्वार टेस्ट पैक और कंप्यूटर ऑडिट प्रोग्राम अभी हम डिस्कस करेंगे। रीजन में चार पॉइंट थे कि सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे जो ऑनलाइन ट्रांसैक्शन का डॉक्यूमेंट था, जैसे ही वो मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, हम उसको अपने पास रिटेन नहीं रखते और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कंप्यूटर में वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। या फिर मास्टर फाइल्स, जहां पर ये डाटा अपडेट हो रहा है, वो ट्रांसैक्शन हुई, ट्रांसैक्शन अपडेट हुई, ट्रांसैक्शन अपडेट होते ही वो लेजर समरी के अंदर लेजर बन जाएगा और एक कंप्लीट अकाउंट आपको प्रोवाइड कर देगा। जैसे क्रेडिटर, आपने एक परचेज की, दो की, तीन की, चार की, पांच की, छह की, इस तरह से क्रेडिटर का अकाउंट पहले ट्रांसैक्शन फाइल में आता है, यहां से वो गया मास्टर फाइल में, यहां से वो लेजर समरी ट्रायल बैलेंस में चला जाता है। जैसे ही ट्रांसैक्शन यहां पर चली गई, रिजल्ट, ये पोर्शन कंप्यूटर से डिसअपीयर्ड हो जाता है। अब एक क्वेश्चन है, क्या हर एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिटेल आप कंप्यूटर में आज सच रखते हो? नहीं, मेन समरी रख लेते हो, बाकी डिटेल ऑटोमेटिकली डिसअपीयर्ड हो जाती है जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। स्केची का मतलब कि हम उसका स्केच ड्रॉ कर सकते हैं कि डाटा कहां से, कैसे, किस तरह से मूव कर रहा है। टू ड्रॉ द स्केच, टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, हाउ द ट्रांसैक्शन मूव फ्रॉम वन पर्टिकुलर लोकेशन, वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट टू द अनदर एस्पेक्ट, एक रफ आउटलाइन। मुजफ्फरनगर फोर्थ पॉइंट, रिपोर्ट्स मे बी ओनली बाय एक्सेप्शन, क्या कहता है, जो रिपोर्ट्स हैं लाइक जैसे इन्वेंट्री रिपोर्ट, डेटर रिपोर्ट, यदि इसमें कोई एक्सेप्शनल आएगी, एक्सेप्शन आने का मतलब एरर क्रिएट हुए थे, तो उनकी रिपोर्ट जनरेट होगी, अदरवाइज रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी। प्रोग्रामिंग इस तरह से हो सकती है।
और बाकी इसकी डिटेल एक आईटी के अंदर आपको ज्यादा अच्छी मिलेगी। आईटी के अंदर ये टॉपिक आपके सीए फाइनल में आएंगे, इसका पेपर है वहां पर एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की ऑडिट एंड कंट्रोल, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट एंड कंट्रोल, कंट्रोल एंड ऑडिट। अब हम बात करते हैं मेन कैट्स की। ये क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। द टेक्निक्स वेयर बाय कंप्यूटर्स आर यूज्ड carry out the audit procedures। जैसे हम accounts के लिए computer का use कर सकते हैं, तो in the same manner हम audit के लिए भी computer का use कर सकते हैं। हमारी दो मेजर टेक्निक्स हैं, एक है यूज ऑफ टेस्ट डाटा, जिसे हम टेस्ट पैक भी कहते हैं, दूसरा यूज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स, जिसे हम ऑडिट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, यूज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स ऑल्सो नोन एज ऑडिट सॉफ्टवेयर। और एब्रीवेटेड फॉर्म इनकी चलती है कैट CAAT। इन दिस केस हम क्या करते हैं, ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर डेवलप्स ए डाटा, ये डाटा क्लाइंट का हिस्टोरिकल डाटा हो सकता है और ऑडिटर का अपना डाटा भी हो सकता है। सुनते रहना इन स्टेप्स को साथ साथ, क्या है ये? क्लाइंट ने और ऑडिटर ने एक डाटा डेवलप किया, 50 ट्रांजैक्शन का, 100 ट्रांजैक्शन का, डिटरमाइन रिजल्ट्स ऑफ डाटा एज पर क्लाइंट अकाउंटिंग पॉलिसी। इस डाटा का रिजल्ट उसने डिटरमाइन किया इन अकॉर्डेंस विद द क्लाइंट अकाउंटिंग पॉलिसी। फीड द डाटा इन क्लाइंट सिस्टम एंड डिटरमाइन द रिजल्ट। इसी सेम डाटा को, उसने क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम में डाला और उसका रिजल्ट देखा। कंपेयर द रिजल्ट विद मैनुअल रिजल्ट
नाउ अब इस केस में जो रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आया जहां से क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम से जो रिजल्ट आया, और एक रिजल्ट इसने अपना मैनुअल निकाल रखा था, इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर किया, इफ इट मैचेस इट प्रोवाइड्स एश्योरेंस। सो यहां पर क्या हुआ कि जैसे हमने क्लाइंट की कुछ ट्रांसैक्शंस उठा ली, या तो क्लाइंट की कुछ ट्रांसैक्शन उठा ली मींस हिस्टोरिकल डाटा, या फिर मैंने अपना खुद का डाटा ऑडिटर ओन्ड डाटा, ऑडिटर ने अपना खुद का कुछ डाटा डेवलप कर लिया कुछ ट्रांसैक्शन का, सेल का, परचेज का, जहां जहां पर वो चेकिंग करना चाहता है, जूम कर दो इसको। इसके बाद उसने क्या किया, इस डाटा का रिजल्ट निकाला मैनुअली कि मेरे पास इतनी सेल होती है, इतनी परचेज होती है, इस डाटा में इतने असेट्स हैं, ये डेप्रिसिएशन का रेट है, ये मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी है, इनकी अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट आता है या कितना लॉस आता है, या बैलेंस शीट के अंदर असेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन क्या रहती है, क्या बनाइए, मैनुअल रिजल्ट मैंने निकाल लिया कि जो ये मेरे पास अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का डाटा है इसका इतना रिजल्ट आता है। अब आगे क्या किया, मैंने इस डाटा को फीड कर दिया किसमें, क्लाइंट के कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर, क्लाइंट के कंप्यूटराइज सिस्टम में मैंने इस डाटा की एंट्री करा दी, और क्लाइंट के कंप्यूटराइज सिस्टम ने मेरे को एक रिजल्ट दिया। ये रिजल्ट कौन सा है, CIS, क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम का। यदि ये दोनों रिजल्ट आपस में मैच हो गए, दैट मीन्स क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम वही रिजल्ट दे रहा है मेरे को जो रिजल्ट मैंने मैन्युअली कंप्यूट किया था, तो इसका मतलब क्लाइंट का कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम वो एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग को करता है, क्लाइंट का CIS सिस्टम एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग को करता है, राइट? समझ आया, बड़ा सिंपल सा सी टेक्निक है, टेस्ट डाटा कि मैंने एक डाटा डेवलप किया, उस डाटा का अपना एक रिजल्ट निकाला, उस डाटा का रिजल्ट मैंने क्लाइंट के कंप्यूटराइज सिस्टम पर निकाला, दोनों रिजल्ट यदि मैच कर जाते हैं तो इसका मतलब मेरे को एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल गया, लेकिन यदि ये दोनों रिजल्ट आपस में मैच नहीं करते तो अंडर दैट केस, यदि ये दोनों रिजल्ट आपस में मैच नहीं करते, जहां जहां पर डिफरेंसेस अराइज होते हैं, दैट मीन्स वहां पर कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग नहीं कर रहा है। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, टेस्ट डाटा, एक डाटा डेवलप किया, उसका अपना मैनुअल रिजल्ट निकाला, उसी डाटा का रिजल्ट क्लाइंट के सिस्टम पर निकाला, दोनों को आपस में मैच किया, दोनों मैच कर गए, इट इज ओके। दूसरा, यूज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। पटना आप एग्जाम्पल कह रहे हैं, एग्जाम्पल तो कुछ ही बन सकता है इसका, कि जैसे सपोज मैंने 50 ट्रांसैक्शन ली सेल की, डेटर क्रेडिट सेल एज वेल एज कैश सेल, उन 50 ट्रांसैक्शन का रिजल्ट निकाला मैंने, सेल्स इतनी बनेगी टोटल, डेटर इतने अमाउंट के आएंगे, कैश इतने अमाउंट का आएगा, और इन्हीं 50 ट्रांसैक्शन को मैंने कंप्यूटर के ऊपर डाला, वहां से कंप्यूटर से सेल की फिगर निकाली, डेटर की फिगर निकाली, कैश की फिगर निकाली, ये दोनों मैच कर गए, रिजल्ट
यदि ये मेरा अपना रिजल्ट सीआईएस सिस्टम से मैच कर गया तो इसका मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। हाँ जी ठीक है, अंबाला एंड पटना। अंबाला आज शुरू से आप एक ही काम कर रहे हो हर एक चीज पे, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, रिपीट रिपीट करना, रिपीट करना, रिपीट करना। आज या तो आप ध्यान से फोकस नहीं कर रहे हो या फिर बस सेस पर ही बैठे हुए हो और एक लाइन लिखने के लिए रिपीट करना। इज ऑल टाइप ऑफ एंट्रीज आर चेक्ड। अब यहां पर वही चीज आती है, सैंपलिंग चल सकती है, सैंपलिंग मे अप्लाई, सैंपलिंग मे अप्लाई। सारे डाटा की चेकिंग नहीं करेंगे हम, हम एक लिमिटेड डाटा की चेकिंग करेंगे। नेक्स्ट, ऑडिट प्रोग्राम। अब ऑडिट प्रोग्राम दो तरह का हो सकता है, वन इज कस्टमाइज्ड, सेकेंड इज पर्पस रिटर्न। कस्टमाइज्ड वो प्रोग्राम्स जो मार्केट के अंदर रेडीमेड अवेलेबल होते हैं, जैसे सैप के प्रोग्राम्स हैं, ईआरपी के प्रोग्राम्स हैं, मार्केट में रेडीमेड अवेलेबल हैं। पर्पस रिटर्न एज पर रिक्वायरमेंट्स, डेवलप्ड बाय ऑडिटर। ऑडिटर डेवलप करवाता है इसको। हाँ जी पानीपत कह रहा है ऑडिट को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अंकेशन। नाउ अब इसके अंदर ऑडिटर क्या करता है, अपने प्रोग्राम को, अपने प्रोग्राम को क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम में, क्लाइंट के सीआईएस में अपलोड करा देता है। रिजल्ट उसने अपने प्रोग्राम को क्लाइंट के कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपलोड करा दिया। अब जब भी एक ट्रांजैक्शन कंप्यूटर में एंटर होगी, जब भी एक ट्रांजैक्शन कंप्यूटर में एंटर्ड होगी, एक तो वो जाएगी क्लाइंट के सीआईएस सिस्टम में और वहां से रिजल्ट देगी, और दूसरा उस ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग, उस ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग ऑडिट प्रोग्राम के अंदर भी होगी। और इसकी नॉलेज इस अकाउंटेंट को नहीं होगी, जो ट्रांजैक्शन में एंट्री कर रहा है वो ये सोच रहा है कि जो मैंने एंट्री की उसका रिजल्ट वहां निकल रहा है। इसके साथ साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हो रही है ऑडिट प्रोग्राम के अंदर, इसका अपना एक रिजल्ट निकलेगा। इस रिजल्ट की असेस ओनली टू ऑडिटर। इतने रिजल्ट की असेस सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर को होगी, इसकी असेस मैनेजमेंट को होगी। ऑडिटर क्या करेगा, क्लाइंट के सिस्टम ने यह रिजल्ट दिया है और जो मैंने प्रोग्राम डाला था उससे इन ट्रांजैक्शन का रिजल्ट ये आया। यदि यह रिजल्ट मैच हो जाता है, यदि यह रिजल्ट मैच हो जाता है
इन दैट केस क्लाइंट का सीआईएस सिस्टम ठीक है, प्रॉपर प्रोसेसिंग करता है, लेकिन यदि ये दोनों रिजल्ट आपस में मैच नहीं होते तो इसका मतलब है क्लाइंट का सिस्टम एक्यूरेट प्रोसेसिंग नहीं कर रहा, एश्योरेंस नहीं मिलेगा, राइट। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वन इज use of test data and second one is the use of the audit programs, okay, ye notes mein hai page number 98 par sabse pehle humne kya cover kiya, meaning कैट का मीनिंग क्या है, कंप्यूटराइज्ड असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, वो टेक्निक्स जहां पर हम किनको यूज करते हैं, कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, किस पर्पस के लिए, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए, दो टेक्निक हैं हमारी। पहली यूज ऑफ टेस्ट डाटा, जहां पर हम एक डाटा डेवलप करते हैं और वो डाटा क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम पर ऑपरेट करते हैं और ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद, प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट हमारे पास आता है उस रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं मैनुअल रिजल्ट से। यदि वो रिजल्ट मैच कर जाता है, इट गिव अस द रीजनेबल एश्योरेंस। दूसरी चीज, हम अपना एक ऑडिट सॉफ्टवेयर क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम में डाल सकते हैं। जैसे क्लाइंट के कंप्यूटर में, ये कंप्यूटर, इसके अंदर एक प्रोसेसिंग हो रही है सीआईएस सिस्टम, लाइक जैसे ट्रांसैक्शन इज प्रोसेस्ड बाय द टैली पे प्रोसेसिंग होगी, साइमल्टेनियसली दूसरा ऑडिट सॉफ्टवेयर, एक ट्रांसैक्शन जो इस सिस्टम में फीड की जाएगी उस ट्रांसैक्शन की प्रोसेसिंग, सेम ट्रांसैक्शन की प्रोसेसिंग दो जगह पर होगी, सेम ट्रांसैक्शन इज प्रोसेस्ड एट टू प्लेसेस। तो रिजल्ट, एक रिजल्ट यहां से निकलेगा, दूसरा रिजल्ट यहां से निकलेगा, दोनों रिजल्ट को हमें कंपेयर करना है। यदि ये दोनों रिजल्ट मैच हो जाते हैं, इट इज ओके। अब इन दोनों प्रोग्राम में बेसिक डिफरेंस क्या है, यदि टेस्ट डाटा में और ऑडिट सॉफ्टवेयर में हम डिफरेंस निकालने लगे, टेस्ट डाटा में और ऑडिट सॉफ्टवेयर में बेसिक डिफरेंस देखें तो ऑपरेट्स ऑन एक्चुअल डाटा, ये एक्चुअल डाटा पर ऑपरेट हो रहा है, लेकिन यदि टेस्ट डाटा की यदि हम बात करें, ऑपरेट ऑन हिस्टोरिकल डाटा, जो क्लाइंट का एक्चुअल डाटा है, या फिर कौन सा, जो डाटा डेवलप्ड बाय ऑडिटर, ये चीजें हम कह सकते हैं जनरली साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग लेती हैं, कि एक ट्रांसैक्शन क्लाइंट के सिस्टम में एग्जीक्यूट हो रही है, साइमल्टेनियसली वही ट्रांसैक्शन ऑडिट सॉफ्टवेयर में भी एग्जीक्यूट हो रही हैं।
टेस्ट डाटा, जनरली एट एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड या आफ्टर एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड परफॉर्म होता है। इट रिक्वायर्स रिवर्सल, इसकी रिवर्सल करने की जरूरत है, क्योंकि जो डाटा आपने क्लाइंट के सिस्टम में डाल दिया वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन तो नहीं है। नो रिवर्सल रिक्वायर्ड। क्यों? ये एक्चुअल डाटा के ऊपर अलग साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग कर रहा है, तो ये एक डिफरेंस अराइज होता है यहां पर। इन दिस मैनर आपको इन दो टेक्निक्स को कवर करना है, ठीक। एक लिमिटेड पार्ट आपने कवर करना है, इनकी जो कंप्लीट डिटेल है, इनकी जो आपकी कंप्लीट डिटेल है वो डिटेल आपकी ठीक फाइनल में इसका के पेपर के अंदर आएगी। रिक्वायर्ड रिवर्सल का मतलब है कि जैसे आपने ये डाटा क्लाइंट के सिस्टम में फीड कर दिया था, क्लाइंट के सिस्टम से निकालना तो पड़ेगा ना इस डाटा को। This data is required to be reversed from the client system. Otherwise, ये client के actual data को affect करेगा। Now, इस टॉपिक के लिए मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूंगा कि ये बड़े एक लिमिटेड वे में आपको यहां पर इस पेपर के लिए लर्न करना है, क्योंकि इसकी डिटेल में ज्यादा मैं भी नहीं जा सकता, क्योंकि आई एम नॉट ए टेक्निकल पर्सन। और इसकी ज्यादा डिटेल यदि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो वो सीए फाइनल में इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट के पेपर के अंदर आएगी, वहां पर आप इन चीजों को डिटेल में कवर अप करोगे। आईपीसीसी ऑडिट लेवल के ऊपर यदि हम बात करें कि सिलेबस का पार्ट बना हुआ है, हेंस वी आर रिक्वायर्ड टू कवर, एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट भी है। पेज नंबर 98 पर आ जाओ। इसमें सबसे पहले तो मीनिंग गिवन है कैट का। कैट से मीनिंग क्या है हमारा? ऑडिटिंग टेक्निक दैट टेक्स द असिस्टेंस ऑफ ए कंप्यूटर फॉर बींग अप्लाइड टू एन ऑडिट इन ए कंप्यूटर एनवायरमेंट। कैट की हमें क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि सीआईएस एनवायरमेंट में इनपुट डॉक्यूमेंट एबसेंट है, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज जनरेटेड बाय कंप्यूटर प्रोग्राम्स मीन्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, विजिबल ऑडिट ट्रेल प्रेजेंट नहीं होती, विजिबल आउटपुट भी समटाइम्स हमें अवेलेबल नहीं होती। Due to these reasons, we are required to apply the CAT. CAT की application हमारी कहां कहां पर आ सकती है? CAT की application compliance procedure की form में भी चल सकती है, and CAT की application हमारी एक substantive procedure में भी चल सकती है। हमारे जितने procedures हैं mainly दो type में है, कंप्लायंस प्रोसीजर्स मींस टीओसी, किस पर्पस के लिए? टू इवेलुएट इंटरनल कंट्रोल। और दूसरे हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, टू इवेलुएट अकाउंटिंग डाटा। कंप्लायंस प्रोसीजर्स, इंटरनल कंट्रोल हमारे दो हैं, कौन से? जनरल सीआईएस और दूसरा आज ही पढ़ा था हमने एप्लीकेशन सीआईएस। जनरल सीआईएस कंट्रोल एंड एप्लीकेशन सीआईएस कंट्रोल।
सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में टेस्ट ऑफ डिटेल एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। नाउ अब जब बात आती है जनरल सीआईएस कंट्रोल्स के अंदर, हम यहां पर किस तरह से इनको इवैल्यूएट कर सकते हैं, बाय यूज ऑफ टेस्ट डाटा, यूज ऑफ टेस्ट डाटा के थ्रू। जैसे सपोज कि एक डेटर की लिमिट हमने फिक्स कर रखी है 15 लाख रुपए, ओके, आपको इस कंट्रोल को चेक करना है कि क्या कंप्यूटर 15 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट करता है या नहीं करता। व्हाट टू डू, ठीक, एक टेस्ट डाटा, अपने टेस्ट डाटा में एक ट्रांजैक्शन 15 लाख से ऊपर की रख लो, 18 लाख की रख ली, जैसे ही वो ट्रांजैक्शन आप क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम में डालोगे, क्लाइंट का कंप्यूटर सिस्टम क्या रिप्लाई दे देगा, एरर। यदि वो एरर आ गया, इसका मतलब कंट्रोल एक्सरसाइज हो रहे हैं, यदि वो एरर नहीं आया तो इसका मतलब कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं हो रहे। तो टेस्ट डाटा को यूज करके, बाय यूजिंग द टेस्ट डाटा यू कैन इवेल्युएट वेदर द जनरल सीआईएस कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन सीआईएस कंट्रोल आर एक्सरसाइज्ड और नॉट। यहां पर इनके लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं, यूज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम्स। जैसे इसका सबसे एक एग्जांपल ले एमएस एक्सेल। यदि आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है, इफ यू हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप्स, क्या एक्सेल के थ्रू आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इफ यू हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप एमंग द टू फाइनेंशियल आइटम और इवन एमंग द टू नॉन फाइनेंशियल आइटम या वन फाइनेंशियल एंड अनदर नॉन फाइनेंशियल बाय यूजिंग द एमएस एक्सेल प्रोग्राम, इट इज एन सॉफ्टवेयर दैट इज वाइडली यूज्ड एज एन ऑडिट वन। एमएस एक्सेल बहुत वाइडली यूज्ड होता है ऑडिट वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए, कैलकुलेशंस को करने के लिए, एनालिसिस को करने के लिए, रेशियो एस्टैब्लिश करने के लिए। सो ऑडिट प्रोग्राम्स को यूज कर सकते हैं आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स, वाउचिंग, वेरिफिकेशंस के लिए एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए। सो ये एक टॉपिक है पेज नंबर 98 पर, दैट इज द यूज ऑफ कैट। कैट की एप्लीकेशन कहां कहां पर आती है, कहां कहां पर हम इन्हें यूज कर सकते। इसके बाद दो टॉपिक है हमारे, पहला कॉमनली यूज्ड कैट, ऑडिट सॉफ्टवेयर एंड टेस्ट डाटा। ऑडिट सॉफ्टवेयर में दो मेन आते हैं, वन इज कस्टमाइज्ड, जिन्हें पैकेज प्रोग्राम भी कहते हैं। पेज नंबर 98 पर ही दिया हुआ है ऑडिट सॉफ्टवेयर में, पहला पैकेज प्रोग्राम और दूसरा पर्पस रिटर्न प्रोग्राम। पैकेज प्रोग्राम एंड द पर्पस रिटर्न प्रोग्राम। तीसरा यूटिलिटी प्रोग्राम दिया हुआ है, इसको तो बेशक छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, ये ऑर्गेनाइजेशन के अपने होते हैं, वो प्रोग्राम्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्रोग्राम्स हैं, सोर्टिंग करने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए, डाटा क्रिएट करने के लिए, दीज आर द प्रोग्राम्स ऑफ द एंटिटी नॉट ऑफ ऑडिटर। मेन आप दो लेकर चलो, कस्टमाइज जिन्हें हम पैकेज प्रोग्राम भी कहते हैं और दूसरा पर्पस रिटर्न जो एक पर्पस की अकॉर्डिंगली डेवलप करवाया जाता है। यूटिलिटी प्रोग्राम छोड़ दो इसको। उसके बाद टेस्ट डाटा, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर। नेक्स्ट इज कंसीडरेशंस इन द यूज ऑफ कैट। कैट को यूज करते वक्त आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, 5 पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट है हमारा
availability of sufficient IT knowledge and expertise. If you want to apply these techniques, सबसे पहली जरूरत क्या आती है? जो हमारा ऑडिट स्टाफ है, अवेयर ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अवेयर हो, उसको उसकी एक्सपर्टाइज हो, ही हैज अ नॉलेज हाउ टू अप्लाई दिस टेक्निक्स, इन टेक्निक्स को उसे कैसे अप्लाई करना है, इसकी नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। पहला पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट आईटी नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। नंबर दो, इनकंपैटिबिलिटी बिटवीन कैट एंड सीआईएस रिसोर्सेस। जो क्लाइंट की कंप्यूटर फैसिलिटी है, जो क्लाइंट की कंप्यूटर फैसिलिटी है, मैं एग्जांपल लेता हूं, वो काम कर रहा है विंडो 98 पर, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर, उसके सिस्टम की रैम है 32 MB, मेरी टेक्निक को अप्लाई करने के लिए मुझे जरूरत है कम से कम विंडो XP की, रैम कम से कम 520 MB हो तो चलेगा। तो रिजल्ट, मैं कैट को अप्लाई करना चाहता हूं क्लाइंट के सिस्टम पर, लेकिन क्या क्लाइंट का सिस्टम मेरी टेक्निक्स को सपोर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या क्लाइंट का सिस्टम मेरी टेक्निक्स को सपोर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इनकंपैटिबिलिटी अराइज होगी। तो यदि आपको कैट को अप्लाई करना है तो पहले क्लाइंट के रिसोर्सेज भी देख लेना कि क्या अप्लाई कर पाना ठीक भी होगा या नहीं होगा। अदरवाइज आप सब कुछ डेवलप कर लो और बाद में पता चले क्लाइंट का रिसोर्स ही ऐसा नहीं है कि जो मेरे कैट को सपोर्ट कर सके। इम्प्रैक्टिकेबल ऑफ मैनुअल टेस्टिंग, क्या रीजन हो सकता है? ड्यू टू, एग्जांपल लेता हूं एक, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, कंप्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन्स का नंबर बहुत ज्यादा है, ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट बहुत ज्यादा हैं, ट्रांजेक्शन कंप्लेक्स नेचर की है। तो यदि ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा हैं, उनका अमाउंट भी ज्यादा है एंड ट्रांजेक्शन कंप्लेक्स है, तो ऐसी सिचुएशन में आप मैनुअल टेस्टिंग नहीं कर पाओगे, यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई द कैट। तो आपको कैट अप्लाई करना पड़ेगा। नंबर चार है हमारा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन एक्सट्रैक्टिंग द डाटा। ठीक, जो डाटा हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस डाटा की सिलेक्शन करने के लिए जो चीजें हमें खर्च करनी पड़ेगी, जो टाइम हमारा इन्वॉल्व होगा, वो कहीं कॉस्टली तो ना पड़ जाए। इफेक्टिवनेस, उसकी एफिशिएंसी, उसकी इकोनॉमी की यदि हम बात करें, द टाइम दैट विल बी यूज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग द डाटा टू अप्लाई द कैट, इट इज ए मेजर कंसर्न फॉर अस, इट इज ए मेजर कंसर्न फॉर अस। नंबर पांच, टाइम कॉन्स्टेंट, क्या डाटा में डिसअपीयर, आफ्टर सम टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जैसे अभी पढ़ा था
कि कुछ डाटा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाता है, तो मेरे को उसकी टाइमिंग देखनी पड़ेगी कैट किस टाइम पर अप्लाई करना है। या तो मुझे कैट को अर्ली अप्लाई करना पड़ेगा या फिर इस डाटा को रिटेन करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा ताकि मैं कैट को प्रॉपरली अप्लाई कर पाऊं। पांच पॉइंट्स हैं ये हमारे जो हमें ध्यान में रखने हैं व्हाइल अप्लाइंग द कैट। नंबर वन, मेरे स्टाफ की अवेयरनेस क्या है आईटी सेक्टर की। इनकंपेटिबिलिटी इन बिटवीन द कैट एंड द क्लाइंट रिसोर्सिस। मैनुअल टेस्टिंग की इम्प्रैक्टिकेबिलिटी है वॉल्यूम के कारण, अमाउंट के कारण, कंप्लेक्सिटी के कारण, तो कैट को ही अप्लाई करना पड़ेगा। डाटा जिसके ऊपर कैट को अप्लाई कर रहे हैं लाइक सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, टाइम इन्वॉल्व्ड, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, उन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। एंड लास्टली टाइम कॉन्स्टेंट, किस टाइम पर आपको कैट को अप्लाई करना है, बिकॉज इन केस ऑफ ऑनलाइन ट्रांसेक्शंस डाटा मे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। ये पांच पॉइंट हैं जो आपको कंसीडर करने हैं, द फैक्टर्स गवर्निंग द एप्लीकेशन ऑफ कैट। कैट को अप्लाई करते हुए कौन कौन से फैक्टर आपको गवर्न करते हैं कि आपको कैट कब अप्लाई करना है, किस सिचुएशन में अप्लाई करना है और किस टाइम पर अप्लाई करना है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है यूजिंग कैट इन स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैट की एप्लीकेशन जस्टिफाई नहीं होती ड्यू टू लो रिसोर्सिस, हाई कॉस्ट, लो नॉलेज। पहला पॉइंट है, लेवल ऑफ आईटी कंट्रोल में बी सच दैट ऑडिटर विल प्लेस लेस रिलायंस ऑन सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। क्यों? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ही पर्सन, बहुत कम पर्सन इस है ऑर्गेनाइजेशन में और वो इस पोजीशन में है टू एक्सरसाइज द फ्रॉड। इंटरनल कंट्रोल पर वी विल नॉट पुट आवर रिलायंस। नंबर टू, ट्रांसेक्शन प्रोसेस्ड आर कंपैरेटिवली लोअर, मैनुअल मेथड कॉस्ट इफेक्टिव होंगे। यूज ऑफ कैट मे बिकम इम्प्रैक्टिकेबल। क्यों? टेक्निकल असिस्टेंस अवेलेबल नहीं है। फोर्थ, ऑडिट पैकेज मे नॉट ऑपरेट ऑन स्मॉल कंप्यूटर्स। राइट, सपना, कैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है? चार से लेकर आठ नंबर तक का एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम में आ सकता है। चार से लेकर आठ नंबर तक का एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। पैकेज इज कस्टमाइज प्रोग्राम। हां जी, रोहतक अभी से बाय बाय कर रहे हो, लेक टाउन छुट्टी बहुत हो गया, अभी एक टॉपिक तो रहता है। हल्द्वानी ऑफ कर दो, गोरखपुर बाय, अभी एक टॉपिक तो रहता है अप्रोचेस टू ऑडिट। पानीपत बाय बाय, गोरखपुर बाय बाय, सतना ओके बाय, जींद गुड बाय, मुजफ्फरनगर बस करो, चलो ठीक है, नहीं कराता और आज के लिए इतना ही। लेकिन इसमें से जो टॉपिक है थोड़ा सा टेक्निकल तो है, ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक अच्छी तरह से करना है एंड इंटरनल कंट्रोल इन सीआईएस एनवायरमेंट एंड फैक्टर्स गवर्निंग द सिलेक्शन ऑफ कैट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कटक क्वेश्चन नंबर 13, जबलपुर क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई आर कैट नीडेड इन ए कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड हाउ इट हेल्प्स द ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग एंड इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंसेस। इसमें आपके दो पॉइंट आते हैं, एक नीड फॉर कैट का कि क्यों हमें जरूरत पड़ी कैट को अप्लाई करने की, नीड फॉर कैट देना है आपको, और दूसरा हाउ इट हेल्प्स द ऑडिटर uses of cat. Okay? पानीपत पायलट टेस्टिंग होती है कि अपने प्रोग्राम्स को पूरे
फाइल के ऊपर अप्लाई करने से पहले कुछ ट्रांजेक्शन के ऊपर अप्लाई कर लो टू अ सर्टेन कि जो प्रोग्राम आप अप्लाई करना चाह रहे हैं एक एंटिटी के ऊपर वो एक्यूरेट रिजल्ट भी देगा या नहीं देगा, चाहे टेस्ट डाटा की बात हो या फिर वो ऑडिट सॉफ्टवेयर को अप्लाई करने की बात हो। पायलट टेस्टिंग इज वन ऑफ द रिकमेंडेशन जो एक ऑडिटर की हमेशा होती है। झांसी TCWG 2 चार्ज विद गवर्नेंस, डिब्रूगढ़ 10 और 11 के आंसर, 10वें में सिर्फ आपको इनपुट देना है, 9 और 11 में सारे इंटरनल कंट्रोल की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 में और 11 में सारे इंटरनल कंट्रोल की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ इंटरनल कंट्रोल ओवर इनपुट की बात हो रही है। ईआरपी में हाँ डाटा की टेस्टिंग एज वेल एज रिकॉर्डिंग दोनों हो सकती है। भोपाल पॉइंट वन ऑफ स्मॉल बिजनेस, लेवल ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल मे बी सच कि ऑडिटर विल प्लेस लेस रिलायंस, क्यों? स्मॉल एंटिटीज के अंदर पर्सन्स आर इन ए पोजिशन टू मैनिपुलेट द आईटी, वो अपने मेंटेनेंस सिस्टम डेवलपमेंट सारा अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, तो रिजल्ट ऑडिटर रिलाई नहीं करेगा इन कंट्रोल्स के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। रीजन बींग द नंबर ऑफ पीपल्स आर फ्यू हु आर इन गवर्निंग रोल एंड मैनेजमेंट रोल, मैनेजमेंट और गवर्निंग रोल के पीपल जनरली एक ही होते हैं। टेस्ट मेल करवा दो, टेस्ट कल मेल हो गए थे सभी सेंटर्स पर। ओके, आज के लिए इतना ही, कल अप्रोच, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, छोटे छोटे टॉपिक हैं और उसके बाद हमारे पास कल टाइम बचेगा एंड उस बचे हुए टाइम में जो भी आपके डाउट्स हैं या क्योरीज हैं इस टॉपिक की वो हम कर लेंगे। कल हमारे पास टाइम बचेगा इस टॉपिक को कवर अप करने के बाद भी और इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट का टॉपिक करने के बाद। राइट, दैट इज ऑल फॉर टुडे, क्लास ओवर। ओके, बाय बाय।